चलिए हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। वेलकम टू द, और एक नया स्ट्रीम लेके आ गया। कल तो गलती से मिस्टेक हो गया तो आज आ गया, और बहुत ही ज़बरदस्त मैच लेके आया आज। कौन कौन आया? बहुत ही जबरदस्त। चलो अभी तक फिलहाल 32 बंदा ज्वाइन हो गया, और भी आना है। आज तो पूरा 100 बंदा ज्वाइन होना है। हेलो शुभम ब्रो। हेलो हेलो ब्रो, आप आया क्या? कस्टम में नहीं घुस गए आप शुभम ब्रो? ओके चलिए, 38 बंदा आ गया। जल्दी जल्दी आ जाइए भाई लोग, आज तो आज डिले नहीं करेंगे। हाँ ना, 9:02 को पूरा 9:02 के स्टार्ट कर देंगे ब्रो। तो जल्दी जल्दी घुसे, जितना हो सके जल्दी घुसे। और 9:58 के बाद स्लॉट अगर उल्टा पुल्टा हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे। जा चुका हूँ, देखो मिस्टर सुमित। ओके, अच्छा, हाँ आ गया आप मिस्टर सुमित। ओके ब्रो, भाई मुझे अभी डीम मत कीजिए। आईडी पासवर्ड। अरे एलेक्स ब्रो, आप किधर है? आईडी पासवर्ड तो अभी हम मुझे मेरे पास तो है नहीं, तो फिर भी देखता हूँ। अभी इन लोगों को आप आइए, एम एस थानोस को भी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, जल्दी जल्दी घुस जाइए। अभी एलेक्स का शायद कस्टम है उसका, फिर भी देता हूँ। उसका कस्टम है शायद। एलेक्स ब्रो आ गया। ओके किसी को हटाना है। किक फिक्सर को किक करो, फिक्सर स्लॉट 8 से, स्लॉट 8, स्लॉट नंबर 8, फिक्सर। हाँ स्लॉट फिक्सर, फिक्सर फिक्सर S2 फिक्सर। ओके न्यू टेक्स्ट मैसेज। फिक्सर को किक करो स्लॉट नंबर 8 से। ओके कर दिया, फिक्सर को डाउन कर दिया। और भी आ जाओ। 66 हो गया। चेबनेटो ये हमारी टीम है मिस्टर। हाँ ब्रो, ओके ओके ओके, मालूम है मिस्टर। आप लोगों का तो हॉपर बैठ जाइए, आप लोगों का तो स्लॉट फर्स्ट नंबर था ना? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टीम 4 किक द गर्ल प्लस टीम 4 गर्ल प्लस टीम 4 किसको? फॉरेस्ट कर लो किक, फॉरेस्ट कर लो। स्लॉट नंबर कितना है? उन्टो पीयूष था, गंडरा गर्ल बोलशो तेरा भाई। ओके हो गया। ट्वेंटी पे? ओके ट्वेंटी पे, ट्वेंटी पे, ट्वेंटी पे तो चला गया।
new text message. वन शॉट अभी उसको हटो हटो वन शॉट का वन शॉट सेक्शन को जाने दो. डेविल शाइन आ गया ना. वन शॉट सेक्शन को वन शॉट सेक्स से जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, उधर बैठो जल्दी बैठो भाई उधर. मिस्टर सुमित एक बार फिर से कहा गया, मिस्टर सुमित हटो. ओके जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी. बीएस क्रशर ओपी. ओके नौ बज का 3 मिनट हो गया, मैं स्टार्ट कर देता हूँ. हेलो नोलॉजिक ब्रो. हेलो क्या हाल है आपका. हाँ चलो अभी चलते हैं. कौन सा स्लॉट नहीं आया, दो बंदा आया. ओके 93. चलिए आ गया हम लोग, स्टार्ट हो गया. आज तो बहुत ही बम बम होने वाला है भाई लोग. जल्दी से जल्दी आ जाओ स्ट्रीम पे, आ जाओ भाई लोग, अपना प्यार दिखा दो. चलो मैं एक बार पहले इसको कर लेता हूँ. तुझे मेरा रब दिखता है यार, मैं क्या करूं. इसका हवा कितनी घटिया है भाई, ऐसा ऐसा नेट चलने से कैसे चलेगा. सेवेंटी सेवन बंदा आ गया, और भी आना है पूरा. 93 बंदा आना है, 93 बंदा ज्वाइन हुआ था. क्या हो गया बाकी लोग आ रहे, धीरे धीरे आ गए, धीरे धीरे आ रहे. नेट स्लो है शायद, मेरा भी स्लो हो गया यार. हेलो 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 हेलो. ओके स्ट्रीम पे सुनाई दे रहा है. बाकी इधर गेम का गेम में क्या हो गया. कोई भी नहीं मालूम चल रहा है भाई. हेलो मुकलेश्वर लाइन पे हो ना. हेलो हेलो लाइन पे हो ना. चलो आ गया बोलो ब्रो हम लोगों का. और यहाँ पर देखते हैं कौन किधर गया. एमएस भाई लोग का गया इस तरफ कौन सा जगह पे गया एमएस भाई लोग. यहाँ पर तो नदी के पास आ गया. नदी के पास मतलब ये कौन सा प्लेस है भाई इतना दूर. ओके चलो तो दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ कहीं पे कौन बंदा उतर गया. यहाँ पर देखते हैं टी सी एम आई का बंदा जो है इन लोगों के पास. इतना नेट ख़राब है, अरे नेट ख़राब है या मेरा मोबाइल हैंग मार दिया, इतना स्लो हो रहा है. हो क्या रहा है भाई मेरा इधर, गेम को हो क्या रहा है भाई, इतना स्लो हो रहा है.
समझ में नहीं आ रहा है भाई। जहाँ पर ही जा रहा वहाँ पर ही ऐसा हो रहा है, सब लग खड़ा है। क्या हो रहा है बताइए तो, ये क्या हो रहा है भाई? कोई अगर स्ट्रीम पे है तो प्लीज़ काइंडली बता दो ना, अगर कोई स्ट्रीम पे है तो काइंडली हेल्प कर दो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हमेशा ऐसे होगा क्या? हेलो मंगलेश्वर, लाइन पे हो क्या तुम? दिमाग काम नहीं करता है, हमेशा एक ना एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाता ही है भाई, ऐसा इतना गुस्सा आता है ना। मेरा अभी ये साल ये माइक का माइक वॉल पे हो गया, अभी अभी तो बंदा वॉल पे बात करेगा। क्या इतने हाजी लोग हैं, नहीं देखी लोग हैं एनिमी इतने प्रॉब्लम। वाईफाई की तेरे माँ की चोत, बहन चोत, मादर चोत, साला लग रहा है कि ये वाईफाई। चले आ गया अभी फिर से, होती ये ठीक हो गया तो देखते हैं अभी यहाँ पर चलते हैं, अभी दूसरी तरफ कहीं पे फायर हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। पहले वाला मैच तो अभी दिखा नहीं पाया, दो फायर दिखा नहीं पाया तो अभी सॉरी भाई, ये नेट का ऐसे ही ऐसा इशू होता है तो वही दिक्कत हो गया ऊपर से भाई। अभी फिलहाल वॉल पर बात मत करो तो देखते हैं, यहाँ पर टीम 21 के सामने है, टीम पीछे की तरफ है, टीम नंबर एट को देखते हैं, यहाँ पर टीम नंबर एट और टीम नंबर 21 के बीच फाइट होता है कि नहीं वो देख लेते हैं। लेकिन माँ की आँख माधक चौथी ऐसा लग रहा है कि ये नेटवर्क बहुत ही गंदे तरीके ऐसे डिस्टर्ब दे रहा है भाई, तो सॉरी भाई लोग, ऐसा नेट के वजह से भी पहले वाला जो मैच जो फाइट हुआ वो दिखा नहीं पाया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा भी ऐसे ही हो रहा है। कल भी मेरे साथ ऐसा भी हुआ था, उसके लिए कल तो स्ट्रीम भी नहीं कर पाया, आज भी फिर से वही नौटंकी दिखा रहा था। तो यहाँ पर देखता है, यहाँ पर PNT के साथ और शायद यहाँ पर टीम नंबर कौन सा था, ओके दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर टीम नंबर 8 भी है, टीम नंबर 8 के साथ यहाँ पर शायद टीम नंबर 21 के साथ जबरदस्त फाइट होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर टीम नंबर 8 और टीम नंबर 21 फाइट लेता है कि नहीं, तो वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर इन लोगों के हाथ में है टीम M249,
ओ भाई M249 है यहाँ पर, XD उल्फ रैन ने यहाँ पर M249 से 21 की तरफ देखते हुए, तो देखते हैं यहाँ पर टीम नंबर 21 और टीम नंबर 8 क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइट लेता है कि नहीं टीम नंबर 21 के बीच। लेकिन यहाँ पर शायद आरजी के साथ यहाँ पर ज़बरदस्त फाइट हो रहा है आरजी के बीच और टीम नंबर 3 के मैडक्स रोनी के बीच यहाँ पर फाइट होते हुए। सामने की तरफ एक मौली फेंका मैडक्स आरजी रेजन ने, पीछे की तरफ से टीम नंबर थ्री का तीन बंदा यहाँ पर ऑलरेडी पुश कर दिया आरजी रेजन के पीछे, लेफ्ट की तरफ से टीम नंबर 3 ऑलरेडी पुश कर दिया यहाँ से लेफ्ट की तरफ से, यहाँ पर क्लोज मैडक्स रोनी ने यहाँ पर लेफ्ट की तरफ यहाँ पर आरजी रेजन को यहाँ पर नॉक कर दिया तो फिनिश नॉक करके विद फिनिश कर दिया, नॉक एंड फिनिश कर दिया। और पीछे की तरफ से आरजी थंडर और आरजी इन्फर्नो है यहाँ पर दो बंदा है, यहाँ पर आरजी का देखते हैं यहाँ पर दो बंदा क्या कर सकते हैं, टीम नंबर 3 को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं नहीं कि, लेकिन लेफ्ट की तरफ से बहुत ही पीछे अपना आरजी लूसी को भी यहाँ पर नॉक कर सकते हैं, आरजी लूसी का भी यहाँ पर आरजी मैडक्स रोनी ने यहाँ पर बहुत जबरदस्त फायर देते हैं M249 से, लेकिन M249 से आरजी लूसी ने यहाँ पर भी मैडक्स के ऊपर फायर देते हुए, तो यहाँ पर सामने देखते हैं। और यहाँ से एडन ने भी आरजी रेजन को भी यहाँ पर फिनिश कर दिया, एक्सेल डेंजर को भी खत्म कर दिया, आरजी थंडर ने यहाँ पर एक्सेल डेंजर को यहाँ पर नॉक करके फिनिश कर दिया, टीम नंबर 3 का एक बंदा और एक बंदा को मार दिया टीम आरजी ने, पीछे की तरफ से टीम नंबर 20 धीरे धीरे क्लोज आते हुए टीम नंबर 3 के बीच। लेकिन यहाँ पर शायद थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा टीम नंबर 3, और हाँ यहाँ पर मैडक्स रोनी को भी यहाँ पर नॉक कर दिया आरजी लूसी ने, और यहाँ पर भी फिनिश भी कर सकते हैं मैडक्स रोनी को, यस यहाँ पर मैडक्स रोनी को यहाँ पर नॉक कर दिया, फिर नॉक करके फिनिश कर दिया। सामने की तरफ देखते हैं यहाँ पर टीम नंबर 20 भी आ गया थर्ड पार्टी करने के लिए चांस पे डेंस मार, लेकिन लेफ्ट की तरफ से भैया ने यहाँ पर पुश करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते टीम नंबर 3 को खत्म करते हो, शायद यहाँ पर से टीम नंबर 3 यहाँ पर से फिनिश हो जाएगा, यस टीम नंबर 3। और पीछे की तरफ से बहुत ही जबरदस्त नेट से बयान भी यहाँ से एक बंदे को नॉक कर दिया, टीम नंबर 20 का एक बंदे को एक बंदा खत्म हो गया और एक बंदा नॉक पड़े और एक बंदे का हेल्थ बहुत ही लो है भाई, बहुत ही जबरदस्त। अगर यहाँ से अगर टीम नंबर आरजी का टीम अगर यहाँ से पुश कर देगा, लेकिन बहुत ही अच्छा होगा पुश करने से, यहाँ पर टीम नंबर 20 को खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखते टीम आरजी थंडर आरजी इन्फर्नो क्या कर सकते हैं, आरजी थंडर और आरजी इन्फर्नो थोड़ा सा बैकअप लेते हुए अपने की तरफ थोड़ा बैकअप लेते हुए यहाँ पर टीपी भी लेते हैं टीम नंबर 20 के ओर, लेकिन लेफ्ट की तरफ से आरजी लूसी ने फ्लाइंग करते रोटेट करते हुए टीम नंबर 20 को खत्म करना चाहेगा आरजी लूसी ने। अगर आरजी लूसी ने अगर पीछे की तरफ से यहाँ पर टीम नंबर 20 को दो बंदे को नॉक कर देगा, तो यहाँ से टीम नंबर 20 को आराम से खत्म कर सकते हैं आरजी लूसी। धीरे धीरे आगे बढ़ते टीम नंबर 20 की तरफ, टीम नंबर 20 को यहाँ पर क्या नाम था जेई यहाँ पर गाड़ी में बैठ गया शायद, हाँ यहाँ पर गाड़ी के पीछे यहाँ पर कवर लेते हुए टीम नंबर 20 एक बंदे के ऊपर, लेकिन लेफ्ट की तरफ से भी आरजी थंडर आरजी इन्फर्नो यहाँ पर नहीं यहाँ पर भी यहाँ थोड़ा सा कवर ले गया यहाँ पर टीम नंबर 20। लेकिन मेरे ख्याल से अभी टीम नंबर 20 को थोड़ा पहले से पुश कर देना चाहिए था, और यहाँ पर आरजी थंडर ने यहाँ पर ऑलरेडी आरजी थंडर एंड आरजी इन्फर्नो यहाँ पर टीम नंबर 20 के ऊपर यहाँ पर धीरे धीरे पुश करते हैं, टीम नंबर 20 का एक बंदा भागे लेकर चला गया, लेकिन लेफ्ट की तरफ से यहाँ पर टीम नंबर 20 को 20 नहीं यहाँ पर टीम नंबर 20 को दो बंदे को नॉक कर दिया और एक बंदे को हेल्प पहुंचे आरजी इन्फर्नो को यहाँ पर नॉक कर सकता था, लेकिन बेया ने और एक नेट जबरदस्त नेट रखा, लेकिन किसी की तरफ से आरजी लूसी ने आके यहाँ पर बेया को नॉक कर दिया था, और शायद यहाँ से थोड़ा बस गया। लेकिन लूसी को अभी हेल्थ बहुत ही लो है आरजी टीम नंबर 20 ने यहाँ पर लूसी की तरफ पुश करना चाहेगा यहाँ से, हाँ पीछे की तरफ से यहाँ पर थोड़ा रोटेट करते हैं आरजी लूसी के ऊपर, आरजी लूसी को शायद यहाँ से खत्म कर सकते हैं, आरजी लूसी भी यहाँ पर नॉक हो गया, तो आरजी का टीम अभी अकेला बंदा है, आरजी इन्फर्नो अभी अकेला बंदा है, तो आरजी लूसी देखे यहाँ पर नॉक करते हैं, यहाँ पर थॉमसन से यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फायर देते हुए अपना टीम को कवर देते हुए टीम नंबर 20 को एक बंदा का हेल्थ बहुत ही लो करते हैं, और टीम नंबर 20 का भी दो बंदा अभी एक नॉक पड़ा हुआ है, और टीम नंबर 20 का एक बंदा अभी लेफ्ट की तरफ हेलो ब्रो और यहाँ से खत्म हो सकता है, यस यहाँ पर टीम नंबर 20 ने टीम नंबर 20 को पूरा ही खत्म कर दिया भाई। तो ओपिन दस टीम नंबर 20 कौन सा था टीम नंबर 20 यस, और दूसरी तरफ देखते हैं दूसरी तरफ भी यहाँ पर जबरदस्त फॉरेस्ट के बीच यहाँ पर जबरदस्त फाइट होते हुए टीम फॉरेस्ट और कौन सा टीम फॉरेस्ट एंड बीएस के बीच फॉरेस्ट एंड टीम नंबर 2 एंड टीम नंबर 21 के बीच शायद यहाँ पर थोड़ा सा धीरे फाइट हो रहा है क्योंकि बीएस का टीम थोड़ा लेफ्ट के ऊपर की तरफ यहाँ पर होल्ड करता है, टीम बीएस सामने की तरफ है, बीएस क्रैशर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शायद पुश करना चाहेगा टीम नंबर 21 के ऊपर, यस बीएस क्रैशर ओपी और बीएस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं टीम नंबर 21 की तरफ फॉरेस्ट की तरफ, देखते हैं यहाँ पर टीम नंबर फॉरेस्ट को यहाँ से खत्म कर सकते हैं नहीं कि टीम नंबर 2, क्योंकि आज बहुत ही जबरदस्त खेलने वाला टीम 2 बीएस का टीम बहुत ओपी खेलता है, फॉरेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त खेलता है, तो फॉरेस्ट भी अपना ये हेलो ब्रो हेलो, तो देखते हैं यहाँ पर शायद पास में आ गया फॉरेस्ट ग्लेंडर सामने की तरफ है, पीछे की तरफ है बीएस इलेक्ट्रो यहाँ पर टीपी भी लेते हैं, अपने हाथ में M4 है, M4 लेकर टीपी भी लेते हैं लेफ्ट की तरफ से यहाँ पर बीएस एलेक्स ओपी और बीएस बोटेक्स ने भी लेफ्ट की तरफ से रोटेट करते हुए अपना टीम को सामने के से अपना एक दो अगर फॉरेस्ट का भी दो बंदे को नॉक कर सकते हैं, तो पीछे की तरफ से यहाँ पर आरएस बीएस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुश कर पाएगा यही प्लान किया होगा शायद बीएस टीम ने, लेकिन फिर भी बीएस एम फॉरेस्ट का भी यहाँ पर टीपी भी लेते हैं फॉरेस्ट ग्लेडर
फॉरेस्ट ग्लेडर भाई यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, सामने की तरफ देखते हैं, सामने की ओर बीएस एयर क्रैशर ओपी बीएस का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमकर यहाँ पर टीपी भी लेते हैं अपना टीम को 2 किल प्लस करने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त टीपी भी लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं टीम 2 बीएस ने। कोई है ऑल पे? कोई अरे ऑल पे है? माइक माफ कर भाई, अब ऑल से माइक ऑफ कर पा, मुझे मैसेज करना पड़ेगा। ग्राफिक्स बोल ले बोल ले सही। और पे क्यों बोलना है भाई, आज थोड़ा गड़बड़ हो गया था एक्चुअली, मैंने सेटिंग करवा दिया था लेकिन वो नेटवर्क की वजह से मुझे फिर से रिस्टार्ट मारना पड़ा, इसलिए मैं वॉल का वो जो स्पीकर है मैं ऑफ नहीं कर पाया। तो देखते यहाँ पर 2022 और 2 शायद यहाँ से थोड़ा सा पीछे हट गया, बीएस पोर्टेक्स और बीएस एलेक्स ओपिन है, तो अपना टीम का अगर वहाँ इतना दूर चला आया और राइट की तरफ से टीम नंबर टीम वन शॉट मतलब टीम डेविल टीम आते हुए, टीम डेविल टीम यहाँ पर आते हुए थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए टीम बीएस की तरफ से, टीम बीएस को भी यहाँ से शायद नॉक कर सकते हैं। बीएस को शायद यहाँ पर मालूम नहीं है कि यहाँ पर ऑलरेडी टीम वन आ गया, तो टीम वन के पास देखते हैं टीम, ओ भाई टीम 14 यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टीम फोर क्या कर रहा है, पीछे की तरफ से टीम वन शॉट आ गया, पीछे की तरफ टीम नंबर वन आ गया तो सारे 20 में फंस गया यहाँ पर टीम टू ने, बीएस का दो बंदा यहाँ पर 20 में फंस गया, तो सामने की तरफ है टीम नंबर 21 के पास है दो बंदा, बीएस का दो बंदा, तो यह से मेरे ख्याल से फोर एस यहाँ पर टीम टू के ऊपर पूरा रश कर देना चाहिए। यहाँ पर थैंक यू के बीच यहाँ पर जबरदस्त फाइट हुआ, थैंक यू का कौन सा स्लॉट था, थैंक यू को फाइट दिखाना है, थैंक यू के बीच जबरदस्त फाइट होते हुए, थैंक यू का स्लॉट था टीम नंबर 19, ओके टीम नंबर 19 के बीच, और टीम नंबर कौन सा, टीम नंबर 13 के बीच फाइट होते हैं, टीम नंबर 19 का भी सामने की है, टीम नंबर 19 की तरफ से थे, थैंक यू आसिफ ने यहाँ पर फायर देते, टीम नंबर 19 के यहाँ पर बीएस का स्प्रे गॉड ने यहाँ पर बहुत जबरदस्त स्प्रे देते हुए यहाँ पर विद फोर एस, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर टीम नंबर 13 यहाँ से खत्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किंग जोनी ने यहाँ पर राइट की तरफ से रोटेट करते हुए टीम नंबर 13 के ऊपर, टीम नंबर 13 वही बंदा यहाँ पर जीता, और यहाँ पर किंग जोनी ने एक बंदे को नॉक कर दिया, और एक ही बंदा टीम नंबर 13 को, और शायद यहाँ पर खत्म हो सकता है टीम नंबर 13, और धीरे धीरे आगे बढ़ते किंग जोनी ने, और यहाँ पर अपना किल दे दिया शायद जाएगा, ओ भाई 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 भाई, और अभी भी यहाँ पर सर्वाइव कर दिया टीम, से खत्म कर दिया, तो टाटा बाय बाय कर दिया टीम नंबर 13 को, टीम नंबर 19 ने वर्ल्ड प्लेयर टीम नंबर 19, तो दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर भी जबरदस्त फाइट होते हैं टीम नंबर 4S के साथ और टीम 2S के बीएस के साथ, शायद यहाँ पर वन शॉट यानो ने बीएस पीछे की तरफ से यहाँ पर टीम बीएस बोटेक्स को यहाँ पर नॉक कर दिया, वन शॉट J4 ने यहाँ पर टीम को, और बीएस एलेक्स ओपी को भी नॉक कर दिया पीछे की तरफ से, मैंने बोला ही था कि यहाँ पर 20 में फंस गया टीम बीएस ने, तो बीएस टीम को अपना दो बंदे को यहाँ पर गवा दिया, बीएस का टीम अभी भी शायद है क्या, नहीं पूरा ही खत्म हो गया टीम बीएस का, और सामने की तरफ है टीम 4S फॉरेस्ट का अभी भी जिंदा है, तो टीम वन शॉट ने शायद यहाँ पर पूरा टीम पूरा बीएस को खत्म कर दिया होगा शायद, हाँ पीछे की तरफ से यहाँ पर टीम बीएस को खत्म कर दिया, लेकिन पीछे के सामने की तरफ है टीम 14 शायद यहाँ पर होल्ड करते हुए अपना हाँ यहाँ पर अपना प्लेयर से होल्ड करते हुए सामने फिर सामने के सामने से आ रहा है टीम नंबर वन को पता भी नहीं है शायद अभी भी कि यहाँ पर टीम नंबर 14 है, तो देखते हैं यहाँ पर टीम नंबर 14 और टीम नंबर वन के बीच कैसे फाइट होता है, वन अभी भी यहाँ पर भी है, अच्छा ओके, तो दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ कहीं पर क्लोज फाइट हो रहा है कि नहीं, क्लोज फाइट चाहिए, पहले वाला जो मैच जो फाइट हुआ वो दिखा नहीं पाया भाई लोग, उसके लिए सॉरी, बहुत ही गंदे तरीके मुझे आज डिस्टर्ब किया, और टीम नंबर सेवन का एक बंदा को नॉक कर सकता है, लेकिन बाकी का हेल्थ बहुत ही लो कर दे, इवन जीओस को यहाँ पर नॉक कर सकते हो, टी वन शॉट सिक्स आने धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं टीम सेवन के ऊपर, लेकिन टीम सेवन भी यहाँ पर सामने की तरफ आ गया, टीम सेवन की तरफ सामने की तरफ है टीम नंबर 14 के साथ, टीम नंबर 14 यहाँ पर मार सकते हैं टीम सेवन को, अरे भाई वॉल पे माइक ऑफ कर दो भाई, मैसेज कर दे ऑलरेडी भाई क्या यार, तो यहाँ पर टीम 14 और टीम नंबर 7 के बीच जबरदस्त फाइट होगा, टीम नंबर 7 का एक बंदा ऑलरेडी यहाँ पर पुश कर दिया टीम नंबर 14 के बीच, और टीम नंबर 14 भी यहाँ पर टीम नंबर 7 के एक बंदा को शायद यहाँ पर नॉक कर दिया, तो देखते हैं यहाँ पर टीम नंबर 7 और दूसरे तीन बंदा यहाँ पर क्या कर सकते थे, ऑलरेडी एक बंदा को खत्म कर दिया भाई अपना अकेले बंदा यहाँ पर ये आना नहीं चाहता, और टीम नंबर 7 का दो बंदा आ गया ऑलरेडी यहाँ पर टीम नंबर 14 के बीच, टीम नंबर 14 भी यहाँ पर जबरदस्त फाइट होते, टीम नंबर 14 यहाँ पर शायद एक बंदा को कर सकते हैं ऑन शॉट, बी एस थ्री को यहाँ पर नॉक करते हैं, टीम ए वन विल ने यहाँ पर एक बंदा को नॉक कर दिया टीम नंबर 14 का, और एक बंदा को शायद और पीछे की तरफ से टीम नंबर 14 और एक बंदा आ गया यहाँ पर राइट की तरफ से, और राइट की तरफ से भी और एक बंदा को कर दे टीम नंबर 14 को, दो बंदे को नॉक कर दिया पर टीम नंबर 7 ने, तो मेरे ख्याल से अभी और एक जबरदस्त नेट फेंकना चाहिए, तो नेट फेंकने से वहां पर ये टीम नंबर 14 का दो बंदे यहां पर खत्म हो जाएगा, टीम नंबर 8 की तरफ से इवन विल ने प्रोटेक्ट किया था, लेकिन विल को 7 का एक बंदे को खत्म कर दे, वो नॉक एंड फिनिश कर दे, और राज जी
इलिएशन नहीं है पर अकेला बंदा अभी भी सर्वाइव करते हो। एक ही बंदा और यहाँ पर 13 नंबर होटल खत्म हो जाएगा क्योंकि दो बंदा मिलकर एक बंदा को नहीं, एक बंदा आराम से मार सकते और एक ही बंदा यहाँ पर शायद था टीम नंबर 14 को यहाँ पर खत्म कर दिया टीम नंबर 7। तो वन प्लेयर टीम नंबर 7 क्या नाम था उसका, A1 टीम A1 ओपी इन द चार्ट भाई, माइक ऑफ कर दो भाई। और यहाँ से टीम नंबर 1 भी आ गया धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए टीम 1 टीम 7 की तरफ, टीम 7 की तरफ से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर टीम 1 शॉट अभी भी एक स्क्वाड खत्म करके देखते हैं ये स्क्वाड कैसे मारते हैं वो देखना बनता है क्योंकि और 7 भी टीम नंबर 7 भी यहाँ पर अभी भी एक स्क्वाड को तीन बंदा मिल दो बंदा मिलकर पूरा स्क्वाड को खत्म कर दिया। अरे भाई कोई तो बोल दो भाई, कोई तो बोल दो, वॉल पे मत रखो भाई, मत रखो यार, कोई तो बोल दो, बोलो भाई कौन बंदा ये बात कर रहा है। तो टीम नंबर 1 भी यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर नॉक कर सकते हैं। बाबलू भाई यहाँ पर वन शॉट सेक्सा को यहाँ पर स्प्रे दिया था लेकिन डैमेज थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हुआ। वन शॉट सेक्सा भी आ गई, वन शॉट मिनर भी यहाँ पर धीरे धीरे क्लोज इन करते हैं टीम नंबर 7 को। ऊपर नंबर 7 का भी दो ही बंदा से वन शॉट मिनर आ गया ऑलरेडी पास में आ गया टीम नंबर 1 बाबलू भाई के पास आ गया। यहाँ पर पुश करते हैं बाबलू भाई का पीछे की तरफ से जाएगा, वन शॉट थोड़ा रोटेट कर दे और यहाँ पर टीम नंबर 7 को खत्म कर दे वन शॉट ने, वन शॉट जेफ और हिंद ने। तो ऑल प्लेयर और सामने की तरफ भी टीम नंबर 5 भी आ गया वन शॉट के बीच, वन शॉट के पास यहाँ पर मिस्टर का टीम आ गया, शायद मिस्टर का टीम यहाँ से भाग जाना चाहेगा। जैसे यहाँ से भाग गया तो यहाँ पर जोन के बाहर देखते हैं थैंक यू के बीच यहाँ पर फाइट जबरदस्त फाइट है। थैंक यू भाई बंदों को आसिफ को यहाँ पर बी एस क्रशर ओपी अभी भी जिंदा है क्या बी एस का टीम? हाँ बी एस का टीम अभी भी जिंदा है बी एस का भी, और एक ही बंदों को नॉक कर दे और एक बंदा बी एस इलेक्ट्रा भाई अभी भी जिंदा है बायस इलेक्ट्रा भाई। तो देखते बी एस इलेक्ट्रा भाई अभी अकेले बंदे जिंदा है, अकेले बंदा यहाँ पर मिलकर देखते तीन बंदों को नॉक कर देते हैं। थैंक यू कैंसी को यहाँ पर नॉक कर देते हैं एम्बर वुड रेडडॉट से, नहीं रेडडॉट से बहुत जबरदस्त जब स्प्रे देते हुए यहाँ पर टीम नंबर 19 का शायद यहाँ पर दो बंदा अभी नॉक हो, नहीं एक बंदा नॉक है और एक बंदा का हेल्थ बहुत ही लो हो गया। फिर पीछे है टीम नंबर 21 19 के पीछे टीम नंबर 21, मेरे ख्याल से टीम नंबर 20 को चांस पर डेंस मारना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एक बंदा नॉक पर हुआ टीम नंबर 19 का। बी एस इलेक्ट्रा भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर अपना कवर लेते हुए भी पत्थर का कवर लेते हुए सामने की तरफ टीम नंबर 19 टीम नंबर 14 बी एस इलेक्ट्रा ने बहुत ही जबरदस्त खेला, एक बंदे को नॉक कर दिया था लेकिन और एक बंदे का नॉक होने वाला था लेकिन वो थोड़ा बच गया कवर ले लिया था। तो देखते यहाँ पर सामने जाके बी एस इलेक्ट्रा अकेला बंदा देखते क्या कर सकते टीम तीन बंदा के सामने बी एस टीम नंबर 19 का चार बंदा जिंदा और चार बंदा मिलकर यहाँ पर बी एस इलेक्ट्रिक के ऊपर बहुत ही जबरदस्त जूम के नज़र रखते हुए और थैंक यू एम गॉट ने यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से धीरे धीरे रोटेट करते हुए बी एस इलेक्ट्रिक के ऊपर बी एस इलेक्ट्रा देखते हैं अभी यहाँ पर थैंक यू एम गॉट को नॉक कर सकते हैं लेकिन है कि नहीं और थैंक यू एम गॉट शायद यहाँ से जीत सकता है लेकिन मेरे ख्याल से बी एस इलेक्ट्रा भी ओपी खेलते हैं लेकिन लेफ्ट की तरफ से डैमेज कर दिया अभी थोड़ा सा पूछ अभी बहुत ही जबरदस्त नेट फेंकते ओपी नेट फेंकते बी एस इलेक्ट्रा शायद ये नेट फूटेगा हाँ बहुत ही जबरदस्त नेट फूटा था और फूट भी गया और बी एस इलेक्ट्रा भी खत्म हो गया। तो टीम नंबर 19 यहाँ पर टीम नंबर 2 को अभी खत्म कर दिया सामने की तरफ। दूसरी तरफ देखते दूसरी तरफ कोई भी फाइट हो रहा है कि नहीं, जबरदस्त फाइट चाहिए भाई, जबरदस्त फाइट है भाई लोग, जल्दी जल्दी लाइक का बटन ठोक डालिए, लाइक का कितना लाइक हो गया भाई लोग, जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबाइए, कोई भी लाइक नहीं किया अभी भी क्या यार हेलो ये तो गलत सीन है, जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबा दीजिए। ओपन को फाइट है चलिए 5 लाइक आ गया थैंक यू सो मच और 2 सब्सक्राइब भी आ गया थैंक यू भाई लोग, थैंक यू सो मच भाई लोग, थैंक यू भाई थैंक्स ए लॉट भाई। 2 सब्सक्राइब भी मिल गया, कौन कौन सब्सक्राइब किया भाई एक बार हाय बोल दीजिए, थैंक्स ए लॉट भाई एक बार हाय बोल दीजिए जिसने भी सब्सक्राइब किया अभी। तो देखते हैं यहाँ पर कोई भी फाइट हो रहा है कि नहीं भाई, जम के नज़र रखना पड़ेगा शायद यहाँ पर टीम 1 शॉट टीम नंबर 1 के भी ऑन के पास यहाँ पर कोई दूसरा कौन सा स्क्वाड आ गया टीम नंबर 1 या टीम नंबर 23 के भी जबरदस्त फाइट होगा। टीम नंबर 23 भी यहाँ पर क्लोज इन कर लिया टीम नंबर 1 के पास, टीम नंबर 1 भी यहाँ पर मिनी से शायद यहाँ से डैमेज देते वन शॉट जेफ के ऊपर लेफ्ट की तरफ से वन शॉट मिनर है, वन शॉट मिनर यहाँ पर कवर फाइट देते अपना टीम को लेकिन राइट की तरफ से भी टीम नंबर 1 शॉट सेक्टर भी कवर देते और यहाँ पर बाकी फोर रहा है टीम वन शॉट देखते यहाँ पर दो बंदा कितना बंदा है टीम 4M का टीम है ओके 4M और तो स्टार्टिंग का है ओके स्टार्टिंग का चार बंदा है। तो यहाँ पर स्मोक फेंकते हैं थोड़ा सा फॉल बैक करना चाहेगा यहाँ पर टीम नंबर 23 हाँ थोड़ा सा फॉल बैक करना चाहेगा क्योंकि जोन में जोन के अंदर भी जाना है जोन बहुत ही छोटा हो गया था जोन के बाहर है अभी भी टीम 1 शॉट एंड टीम 4S स्टार का टीम और यहाँ पर एनी 8 भी बहुत ही जोन के बाहर है भाई ये जोन बहुत ही कटेगा तो जल्दी जल्दी जोन के अंदर पुश करना चाहिए और लेफ्ट की तरफ से वन शॉट यानो ने यहाँ पर क्लोज इन कर लिया टीम नंबर 23 को 23 के पास यहाँ पर वन शॉट यानो ने क्लोज इन कर लिया लेकिन यहाँ से थोड़ा जोन की तरफ से पुश करना चाहिए वन शॉट यानो ये बहुत ही अच्छा किया क्योंकि अगर वहाँ पर रहेंगे तो जोन भी आने वाला है तो वहाँ पर जोन का भी हेल्थ बहुत ही लो होगा। सामने की तरफ टीम नंबर 5 भी मिस्टर का टीम भी आ गया मिस्टर का टीम और वन शॉट के भी जबरदस्त फाइट होगा अभी यहाँ पर देखते हैं वन शॉट
मिस्टर टीम यहाँ पर जबरदस्त फाइट देते हैं मॉन्टर के ऊपर, मॉन्टर का ये बंदा देखो नहीं यहाँ पर वो हो गया यहाँ पर शायद जबरदस्त, और मिस्टर का हेल्थ बहुत ही लो कर दे मिस्टर सुमित एंड मिस्टर ब्रदर, मिस्टर ब्रदर देखते हैं यहाँ पर मिस्टर ब्रदर एक बंदे को नॉक कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट की तरफ भी टीम नंबर फोर थोड़ा दूर है, पास में है टीम नंबर वन को, दो बंदा ऑलरेडी पास में आ गया और एक दो बंदा धीरे धीरे राइट की तरफ से कौन सा वन शॉट सेक्सा और कौन है वन शॉट मिनर यहाँ पर रोटेट करते हुए, क्योंकि रोटेट करके ही ये मार सकते हैं टीम नंबर फाइव के पास वन शॉट जे फोर ने यहाँ पर क्लोज इन कर लिया टीम फाइव के पास, और जे फोर के भी पीछे से भी पढ़ते हुए टीम नंबर 19 भी है, टीम नंबर 19 के पीछे यहाँ पर जबरदस्त थैंक यू सेंस को यहाँ पर नॉक करते हुए कहाँ पर फाइट हो रहा है कहाँ पर टीम नंबर 19 है, टीम नंबर 4 के भी जबरदस्त फाइट हुआ है, टीम नंबर वन शॉट को भी टीम वन को भी एक बंदे को नॉक कर दिया शायद टीम नंबर 19 ने, थैंक यू एम गॉड और एक बंदे को नॉक कर सकते हैं वन शॉट या यहाँ पर अपना टीममेट को रिवाइव देते हैं, लेकिन पीछे की तरफ से टीम नंबर टीम 4 भी टीम 21 भी आते हुए लकी और से हेलो ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो हेलो, और एम एस वेनम डॉन बॉय को यहाँ पर फिर नॉक कर दिया, मिनी से नॉक कर दिया एम एस थानोस भी यहाँ पर मॉम बॉय को यहाँ पर नॉक कर दिया, शायद वो फिनिश हो जाएगा। एम एस भाई का कौन सा स्लॉट था ओके MS Venom ओके ब्रो यहाँ पर MS टीम के साथ और टीम नंबर ओ भाई इतना सारा पीछे की तरफ से भी टीम नंबर 9 यहाँ पर ओ भाई MS का टीम है, अभी तीन बंदा यहाँ पर नॉक पर है, शायद एक ही बंदा जिंदा है उसका भी हेल्थ बहुत ही लो है, और यहाँ पर टीम नंबर 11 का भी एक बंदा को नॉक कर दिया, एक बंदा नॉक हो सकता है यहाँ पर DBS खान ओपी यहाँ पर टीम टपाटप का दो बंदा अभी भी नॉक पड़ा हुआ है, टीम MS का भी चार बंदा यहाँ पर नॉक पड़ा हुआ है, तो डॉन बॉय ने शायद अपना टीम को रिवाइव देना चाहे रिवाइव देने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से रिवाइव देना नहीं चाहिए, अपना टीममेट को अभी मत बचाओ, अपना पहले गान बसाओ के अपना दूसरे को मारो, नहीं अगर तुम्हारे टीममेट का गान बसाने के लिए जाओगे तो तुम्हारा भी गान मरेगा, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है चारों तरफ बंदा है, पीछे की तरफ टीम नंबर 4 है, लेफ्ट की तरफ है टीम नंबर 6, टीम नंबर 10 भी आ गया, टीम नंबर 10 यहाँ पर शायद टीम नंबर 1 शॉट के भी जबरदस्त फाइट होगा, टीम नंबर 11 का भी दो बंदा है अभी नॉक पर, DBS खान को ओपी को यहाँ पर नॉक कर सकता है, अपना टीममेट को यहाँ पर रिवाइव देने के लिए कोशिश है, टीम नंबर 10 को जेलिम काश यहाँ पर अपना टीममेट को रिवाइव देने के लिए कोशिश किया था, लेकिन लेफ्ट की तरफ से टीम नंबर 4 थोड़ा सा फायर देखिए यहाँ पर मतलब होशियार कर दिया कि नहीं अपना टीममेट को अपना न मत जाओ मत बसाओ, पर यहाँ पर DBS खान ओपी को यहाँ पर भी नॉक कर दिया टीम 1 शॉट ने, 1 शॉट मीना ने यहाँ पर DBS खान ओपी को नॉक कर दिया, राइट की तरफ से टीम नंबर 5 अभी जिंदा है भाई, ओके टीम नंबर अभी टपाटप का दो, एक बंदा अपना अलविदा कह चुका है और एक बंदा अलविदा कहने वाला है, और वन शॉट मीना ने डॉन बॉय को भी नॉक कर दिया, तो वन टपाटप का और एक ही बंदा और उसको भी खत्म कर दिया टीम मीना ने। चलिए अभी सामने की तरफ देखते हैं वन शॉट मीनर के पास है टीम नंबर टेन और टीम नंबर 6 के भी जबरदस्त फाइट होते हैं एम एस थानोस यहाँ पर अपना टीम नंबर टेन के ऊपर जबरदस्त यहाँ पर मतलब क्लोज इन कर लिया ऑलरेडी, और टीम नंबर 10 को और एक बंदे को खत्म कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर टीम नंबर 10 का और भी बंदा नहीं है शायद, और एक बंदा तो अभी भी है जलीम क्या नाम है जलीम, और यहाँ पर टीम नंबर 10 शायद टीम MS ने टीम नंबर सिक्स MS Venom के पास अभी भी कितना किल है 3 किल मिल गया, और इसके टीम नंबर 4 को देखते हैं, यहाँ पर टीम नंबर 4 अभी भी टीपी भी लेते हैं टीम MS के ऊपर कवर मतलब फायदा था, एक ही एमओ सिक्सेस भाई इतना दूर बहुत ही जबरदस्त, अभी भी टीम 8 है इतना छोटा जोन में अभी भी टीम 8 टीम बाकी है 27 बंदा भाई अभी भी अलाइफ है भाई, बहुत जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगा आगे जाके, और वन शॉट मीना के ऊपर यात्रा रही है टपाटप कर देते हैं, लेकिन लेफ्ट की तरफ से भी जबरदस्त फाइट आया भल्ला साहिल का पीछे की तरफ है टीम नंबर थैंक यू को और एक बंदा को नॉक कर दिया शायद था, एक बंदा को खत्म हो गया और एक बंदा नॉक पर हुआ, लेफ्ट के पीछे की तरफ भी टीम नंबर फोर यहाँ पर टीम नंबर 19 का भी जबरदस्त फाइट होते हैं, टीम नंबर 19 का भी पास में भी टीम नंबर 16 भी है अच्छा अपना टीम को रिवाइव देते हैं, टीम नंबर 23 भी सामने की तरफ है भाई, अभी तो गड़बड़ होगा किसका फाइट दिखाओ, अभी गड़बड़ होगा वन शॉट के बीच, और शायद यहाँ पर फाइट होने वाला है टीम वन शॉट और टीम नंबर 4 के बीच, वन शॉट मीनर यहाँ पर क्लोज इन कर लिया टीम नंबर 4 के पास, भल्ला साहिल के पास यहाँ पर कॉल क्लोज इन कर लिया टीम नंबर 1 शॉट और टीम वन शॉट यहाँ पर मॉनिटर कर रहा है, यहाँ पर नॉक कर दिया टीम सिक्स का एक बंदा को नॉक कर दिया यहाँ पर है टीम, लेकिन इसके पास भी यहाँ पर क्लोज इन कर लिया टीम एमएस भी यहाँ पर टीम नंबर 4 के पास क्लोज इन कर लिया, वन शॉट का भी एक बंदा दो बंदे को नॉक कर दिया टीम नंबर 19 भी यहाँ पर दो बंदे को नॉक कर दिया टीम नंबर 1 शॉट को, टीम 1 शॉट के दो बंदा अभी भी एक बंदा खत्म हो गया और एक बंदे को रिवाइव मिल जाएगा शायद, लेकिन सामने आ गया फाइट है ऊपर से दिखाना पड़ेगा सॉरी भाई
हिंदी बुजिला भी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अभी जितना क्लोज फाइट हो रहा है क्लोज फाइट मांगता था, लेकिन इतना भी ज्यादा क्लोज फाइट होने से मुझे दिक्कत जाता है किसको क्या फाइट किया दिखाओ नहीं दिखाओ। देखो यहाँ पर टीम नंबर 23 और टीम नंबर 19 के भी जबरदस्त फाइट होते हैं। टीम नंबर 23 का दो बंदा ऑलरेडी कवर है, टीम नंबर 19 किंग रोनी ने पूरा ही खत्म कर दिया। तो चलो यहाँ पर टीम नंबर 19 का और एक बंदा अभी थैंक यू एम कोड, अभी भी अभी भी अकेला बंदा जिंदा है, अकेला बंदा अभी भी सर्वाइव करते हुए लेफ्ट की तरफ टीम वन शॉट रहा और फिर सामने की तरफ है टीम 21 फॉरेस्ट का बंदा और उसके भी टीम एमएस का भी एक हालत बहुत ही एमएस वेनम का हालत बहुत ही नाजुक है। तो ये अपना हेल्थ थोड़ा रगड़ते हुए लेफ्ट की तरफ टीम नंबर 8 आरजी का अभी भी दो तीन बंदा जिंदा है, टीम है 5 बंदा है 13, तो देखते हैं ये टीम वन शॉट के पास 2 बंदा, टीम 6 के एमएस के पास 3 बंदा, टीम 8 के पास 3 बंदा, थैंक यू के पास 1 बंदा, 21 के पास 4 बंदा, अभी भी 21 का पूरा स्क्वाड फुल स्क्वाड अभी भी जिंदा है। तो मेरे ख्याल से तो यही वाला मैच भी टीम वन शॉट फॉरेस्ट भी जीत सकते हैं क्योंकि फॉरेस्ट पूरा ही स्क्वाड मतलब जबरदस्त खेलते हुए अपने पास 3 किल है, फॉरेस्ट के पास 3 किल है। तो देखते हैं यहाँ पर सामने के थैंक यू के बंदा अकेला बंदा जिंदा है, उसके पास है 3 किल। तो यहाँ पर फॉरेस्ट ग्लाइडर को शायद यहाँ पर फोकस देते हुए M4 से, लेकिन वो थोड़ा जोन के बाहर जोन के बाहर है तो जोन के तरफ है पुश करना चाहेगा टीम नंबर 6 के पास। देखते हैं टीम नंबर 6 के पास अभी कौन है, टीम नंबर 6 एमएस भाई के साथ यहाँ पर कौन सा टीम आ गया, एमएस टीम के पास लेफ्ट की तरफ से शायद यहाँ पर फोकस देते हुए टीम एमएस बैनो ने एमएस फॉर यहाँ पर शायद टीम नंबर 8 को एक बंदे के ऊपर यहाँ पर फायर दिया था, लेकिन काम नहीं हुआ उस फायर से। टीम नंबर 21 का फॉरेस्ट के एक बंदे को यहाँ पर नॉक परवा, शायद ये जोन के बाहर बाहर था तो बाहर जोन से मर गया। तो टीम नंबर 8 यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, टीम नंबर 21 को यहाँ पर नॉक कर दे फिनिश कर सकते हैं यहाँ पर कार्लोस ओबी, लेकिन थैंक यू वेम गॉड ने यहाँ पर टीम नंबर 21 को यहाँ पर दो बंदा और टीम नंबर 8 को यहाँ पर खत्म करने देते हैं। वेम गॉड बहुत ओपी खेला भाई टीम, थैंक यू वेम गॉड ने, तो लेकिन उसका भी हालत ही खराब कर दिया। तो देखते की तरफ यहाँ पर टीम नंबर 3 में थैंक यू वेम गॉड क्या कर सकते हैं, एमएस का बंदा भी यहाँ पर नॉक कर दिया वन शॉट में यानुर ने। ओ भाई इतना भी क्लोज फाइट मत लो भाई, बहुत ही दिक्कत आता है। टीम 121 का बंदा अभी देखते हैं, टीम 121 का दो बंदा कर नॉक कर दिया था, अभी रिवाइव मिलते हुए टीम थैंक यू क्या कर सकते हैं भाई, थैंक यू क्या कर रहे हो भाई, मारो इसको मारो बिंदस खत्म कर सकते हो टीम नंबर 21 को भाई, थोड़ा सा आगे जा भाई, यहाँ से नेट नहीं जाएगा गांडू भाई, आगे जा थोड़ा आगे जा भाई बिंदस मार सकते हैं, मारो भाई, वो यही तो बोला था भाई, थोड़ा आगे जाके मार सर। और यहाँ से थैंक यू एम गॉट ने बहुत ही जबरदस्त अपने झोली में 3 किल ले लिया, ऑलरेडी 6 किल मिल गया, थैंक यू एम गॉट। अभी अकेला बंदा अभी भी सर्वाइव करते हैं, एमएस का बंदा अभी एक बंदा को नॉक कर दे वन शॉट यानू ने, तो एमएस थोर भाई को देखना पड़ेगा अभी इस अपना टीममेट को कैसे रिवाइव दे, इस तरफ से जाना गलती होगा भाई, एमएस थोर भाई इस तरफ से मत जाओ, ऑलरेडी लेफ्ट की तरफ से है, थैंक यू एम गॉट भाई है ऑलरेडी भाई, उधर मत जा रहे भाई, पीछे की तरफ देखो वन शॉट यन, और अभी वन शॉट का दो भी अंदर जिंदा है और एमएस का एक बंदा, तीन टीम चार बंदा, टीम वन शॉट के पास दो बंदा है और टीम है टीम 19 के पास एक बंदा एमएस भाई का, और शायद यहाँ पर एमएस भाई यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यस वन शॉट यन ने यहाँ पर टीम एमएस का एमएस भाई को खत्म कर दिया और अभी अकेला बंदा वन बी टू होगा। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त फाइट होने वाला है भाई, ये फाइट जबरदस्त होने वाला है, वन बी टू। तो देखते हैं, थैंक यू एम गॉड भाई, चिकन चाहिए तुमसे चिकन चाहिए भाई, ऑलरेडी 6 है तो दो बंदे को खत्म करना है भाई, थैंक यू एम गॉड, जबरदस्त। और लेकिन ये थोड़ा गलती कर दिया, नेट आ गया एन शॉट J4 ने बहुत ही जबरदस्त नेट फेंका था और यहाँ से और एक नेट फेंक के यहाँ पर खत्म कर दिया टीम 19 को, थैंक यू एम गॉड को, लेकिन बहुत ही जबरदस्त खेला, थैंक यू एम गॉड भाई, अकेला है इतना दूर क्यों ले लिया से ब्रो, ओपी, थैंक यू एम गॉड ब्रो, ओपी ब्रो, आप अकेला जो इतना दूर सर्वाइव किया, बहुत ही अच्छा खेला, 6 किल अकेला ले लिया। याकूब गेमिंग, हेलो याकूब भाई, किधर थे आप?
आपका टीम तो टॉप थ्री में आ गया भाई, टॉप थ्री में आ गया आपका टीम। ओपी खिला जो भी हो, एमएस का टीम, ओपी और एमएस का टीम भी बहुत ही अच्छा खिला, लेकिन मुझे बहुत सबसे अच्छा लगा थैंक यू एम गॉड भाई का, भाई अकेला बहुत दूर सर्वाइव किया, बहुत अच्छा सर्वाइव किया। तो भाई लोग जल्दी जल्दी लाइक का बटन ठोको, लाइक का बटन जल्दी जल्दी ठोको भाई लोग। और बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ जो आप लोगों को शायद मालूम पड़ गया क्या होने वाला है, न्यूज़ तो पता चल गया, जो बोलने वाला था जीता थोड़ी, अरे जीतना हारना तो होगा, एक टीम जीतेगा एक टीम हारेगा, लेकिन खेल ज़बरदस्त होना चाहिए भाई, खेल बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। तो आज ऐसे ही हुआ, मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया था लास्ट में किसका फाइट दिखाओ किसका फाइट नहीं दिखाओ, लेकिन बहुत ही मज़ा आया भाई, बहुत ही मज़ा आया ब्रो। ऐसे ही फाइट होना चाहिए, डेली ऐसे फाइट हो जाए तो क्या ही चाहिए भाई। और भाई हाँ, कुछ लोग अगर किसी कोई भाई लोग का अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आज जो न्यूज़ दिया तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी कुछ जानकारी है अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन केस के रजिस्ट्रेशन बारे में जो भी बारे में आप स्ट्रीम में पूछ सकते हैं, हम जितना हो सके आप कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। लाइक कर दो प्लीज, यस ब्रो, यस भाई लोग जल्दी जल्दी लाइक का बटन ठोक डालो, और हो सके अगर जिस भाई ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई लोग। तो पूछिए भाई लोग को, अगर कोई किसी के पास अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। हेलो भाई, हेलो, अरे मेरा वो साउंड ऑफ है। हेलो हेलो हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है। हाँ, टर्निंग पे आना पड़ेगा। और भाई लोग, और हम लोगों का जो एक बहुत ही बड़ा अनाउंस तो कर दिया, पता चल गया, और जिस भाई लोग के अभी भी अगर मालूम नहीं पड़ा तो 20 तारीख को हम लोगों का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, उसके लिए आपको अभी डीएम करना पड़ेगा, जो जो नंबर दिया है उसको वहाँ पर आप डीएम कर लीजिए, आपको हम लोगों का जो टूर्नामेंट का एक ग्रुप होगा वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर ऐड करने के बाद जो जितना भी सारा डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जितना भी है, सब लोग आपको वहाँ पर भी बता दिया जाएगा, कैसे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन क्या कर, रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होगा, वहाँ पर ही सब लोग सब कुछ बता दिया जाएगा, और आप लोगों का जितना भी स्लॉट का लिए सब कुछ वहाँ से ही मिलेगा। तो अगर जिस भाई ने अभी टूर्नामेंट खेलने के लिए इंटरेस्ट है तो काइंडली डीएम कर लीजिएगा, डीएम कर दीजिए, आपको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा उस ग्रुप में, और वहाँ से आप लोगों का सारा डिटेल्स मिलते रहेगा। एक मिनट रुकिए, मैं टर्निंग पे ज्वाइन हो लेता हूँ, उसके बाद किधर आ गया, चलिए हेलो भाई में, हेलो हेलो हेलो, हाँ 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 हेलो, हाँ शुभम भाई, अरे कोई नहीं, अच्छा नहीं था क्या थंबनेल, अच्छा नहीं था क्या, अरे अच्छा तो था थंबनेल, तो लगाया हमने, हम फिर से हार गए, अरे कोई नहीं शुभम ब्रो, आज हारेंगे आज कल जीतेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन तो जीतेंगे ना, दो दिन हारेंगे एक दिन जीतेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, हारने से मत उम्मीद मत छोड़िए भाई, 10 बार हारेंगे एक बार तो जीतेंगे, प्रैक्टिस करिए। हाँ ओके ब्रो, ओके, और सभी भाई लोग को ये भी बोलना चाहूँगा फिर से, जो भाई ने अभी आया, क्योंकि मैं और एक बार बोलना चाहूँगा, जिस भाई का अभी भी थोड़ा डाउट है उस टूर्नामेंट के लिए, क्या प्रोसेस है क्या नहीं प्रोसेस है, तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर, हम बता देंगे जितना हो सके, उसको आपको समझाने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे, बस आप एक बार पूछिए तो सही है कि नहीं, मैं हूँ एलेक्स, दोनों मिलकर आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश ज़रूर करूँगा, ताकि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आए कैसे क्या नहीं करना, थोड़ा सा डाउट भी नहीं होना चाहिए आप लोगों को, तब तो डाउट होने से तो मज़ा नहीं आएगा। यस, कैसे मज़ा आएगा, डाउट क्लियर करना पड़ेगा, पहले डाउट क्लियर करना ही पड़ेगा, लेकिन आज का फाइट जो हुआ जबरदस्त हुआ भाई, जबरदस्त हुआ,
आपके जैसे खेलना कौन का। दूसरा दूसरा अरे भाई मैं भी नूब हूँ, मैं भी उतना अच्छा नहीं खेल सकता आपसे, शायद मतलब खराब ही खेलता हूँ, लेकिन आप तो फिर भी बहुत अच्छा खेलते हो। और भी ट्राई कीजिए, और भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सामने जाके तो बहुत बुमबम मसाना है, बहुत ही बुमबम मसाना है टूर्नामेंट में, तो उसके लिए थोड़ा तैयार हो जाइए। बहुत बहुत टाइम है, इस टाइम के बीच आप मतलब जब हाथ इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हेलो हबीब भाई, हाँ जैसे हम लोग ऑन करें, तो भाई लोग जल्दी जल्दी लाइक का बटन भी साथ में थोक दीजिए, लाइक का बटन तो हिलना चाहिए था भाई। हेलो कंगारू रूम खेलने जा रहा हूँ, हिलना चाहिए था कंगारू रूम खेलने के। हाँ आशीन बैठे आशीन, बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो क्या कहाँ के कहाँ के मेरा तो एक दी एक ओये जाइदर डूबन टाइम है। अरे कोई नहीं भाई, इतना जितना हो सके जाइ जाइ कर सकते कर लीजिए। हेलो एलेक्स भाई, हाँ बोलो, कौन जीता अभी कस्टम? अभी तो मैं दूसरा कस्टम कर रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मामा मामा कौन जीता अभी? हेलो वन शॉट मतलब हमारा टीम, मामा किधर गए? मामा कौन जीता अभी? हेलो मामा, हाँ सुन रहा, बोलो मामा, स्क्रीन पे बात कर रहा है, कौन जीता कौन जीता बोला तो, वन शॉट जीता अभी, हमारे स्क्वाड ही जीते। अच्छा ओके ओके, मैं बाहर गया था वो और एक बात क्लियर करना चाहूंगा, अगर किसी भाई को अगर भी डाउट है कि मेरे साथ जो बंदा एस्पेक्टिव में रहता okay, है मैं आता हूं, अगर कुछ डाउट है कि वो थोड़ा गड़बड़ करता है ऐसा ऐसा, वो ऐसा नहीं है, कभी नहीं है वो। अगर आप लोगों का प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी दे सकता हूँ, अगर किसी भाई का अगर भी अगर कुछ डाउट है तो बोल दीजिए, मैं उसको प्रूफ दे दूंगा। हेलो राजू, हाँ हाँ बोले, हाँ सुने दे रहा है, बोले हाँ बोले बोले, ठीक है ठीक है। ओए कुछ भाई लोग को शायद थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है ना कि वहाँ ये वन शॉट को शायद, और मेरा साथ जो बंदा है एस्पेक्ट में रहता है वो नहीं, वो तो नहीं होगा वो। हमें क्या मैसेज दिया भाई, आइडिल जान है प्लीज़ सब्सक्राइब। समझा नहीं भाई खेल रहा है क्या भाई, आइडल जाके अपना प्लीज, पता नहीं चल रहा है भाई क्या मैसेज कर रहा है भाई लोग, कोई मैसेज नहीं दे रहा है भाई, कोई कुछ कोई कुछ भी कुछ बोलो भाई, कौन कौन भाई अभी भी है, देखो ये भाई अभी भी आ गया। अरे अविल भाई बिग फैन, अभी फोन ही रे माइक किसका हो गया? अरे डीवीएस बोल रहा भाई यार, तन्वीर बोल रहा हूं, मर गया है कौन भी जान रहा है, कुछ टाइप कर रहा है सर डीवीएस भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आपके भाई, बहुत बड़ा फैन हो। अरे सब्सक्राइब किया बोल रहा है, चल अभी बहुत बड़ा फैन हो आपका, एक शॉट आउट दे दो, आवाज फटी आ रही बन, हाँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो उन लोगों का, भेजो देखो भाई, शॉट आउट दे दो, शॉट आउट खेल रहे भाई, शॉट आउट दे दो, शॉट आउट दे दो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी है मतलब रूम खेल रहे क्या अभी की क्लासिक खेल रहे? हेलो मामा, हेलो यार बंदे बंदे देखा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो भाई लोग, अगर कोई भी भाई लोग अगर अभी भी रूम खेलना चाहेगा, टीडीएम खेलना चाहेगा 4v4, तो एक बार प्लीज बोल दीजिए, किसी को रूम खेलना है तो आ जाओ।
मेरा भी ऑन है। कौन कौन खेलेगा बोलिए, कौन कौन खेलेगा? नाइस बॉय बना। ओके ब्रो, ओके ओके मैं बना रहा हूँ, मैं आप लोग आओ मैं इनवाइट कर रहा हूँ। ओके ब्रो, ओके 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 मैं बना रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ। गाइस जल्दी से ज्वाइन होना है, जल्दी से ज्वाइन होना है भाई लोग, जल्दी से ज्वाइन होना है। हेलो जूनियर भाई, इट्स ए स्वागत टू माय स्ट्रीम। एको भाई खेलेंगे क्या? आप तो नहीं खेलने वाले, वो तो मुझे मालूम है भाई, आप तो नहीं खेलने वाले हैं। तो आ जाइए भाई लोग, जल्दी जल्दी आ जाइए। आईडी है, एको भाई आईडी लिखिए ना, आईडी है 1866 5 double 3 1866 5 double 3 1866 5 double 3 1866 5 double 3। पासवर्ड है डेविल, डेविल मुझे इनवाइट कीजिए। ओके ओके आइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आ जाइए भाई लोग, जल्दी जल्दी आ जाइए। हम लोग और भी भाई होगा, डीवीएस खान ओपी ब्रो, ये दोनों भाई लोग भी खेलेगा। आपका क्या चल रहा है? आइए नाइस बॉय, नाइस बॉय ब्रो, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। आ गया ऑलरेडी, दो बंदा आ गया, और भी 4v4 होना चाहिए आज, बहुत ही मजा आएगा 4v4 होना होगा तो। और मैसेज कब करेगा मामा? अच्छा उस ग्रुप का मैसेज आ रहा है क्या? सबका जितना भी है। आप एक काम कर सकते हैं, आपको बोलूंगा मैं स्ट्रीम के बाद बोलूंगा, वो आप कर सकते हैं नोटिफिकेशन। आ गया मिस्टर सुमित ब्रो, आ गया और भी आइए भाई। सुमित ब्रो, मिस्टर सुमित ब्रो इस तरफ जाइए, मिस्टर टीम एंड टपर टप का टीम, टपर टप वर्सेस मिस्टर, देखते हैं कौन जीतेगा, मिस्टर जीतेगा या टपर टप जीतेगा। अपना अपना स्लॉट पे जो बैठी है भाई, मिस्टर भाई यहाँ पर जाइए, मिस्टर सुमित ब्रो यहाँ पर जाइए, राइट में जाइए, अगर स्ट्रीम में है तो सुन सकते हैं तो भाई वहाँ पर जाइए। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। और आइए मिस्टर टीम का, और भी 4-3 बंदा चाहिए, और टपा टप भाई लोग का, आप लोग आपका बंदा बताओ, मैं बुलाओ अपना बंदा को बुलाओ। ग्यारह लाइक, सिर्फ 11 लाइक भाई, 20 लाइक तो होना चाहिए एटलीस्ट, 20 लाइक करवा दो, मैं ही जीतूंगा। अरे यहाँ वो तो हमेशा आप जीतने जीतता है भाई, भाई 11 लाइक भाई, और 9 लाइक चाहिए, और 9 लाइक, 20 लाइक तो होना बनता है। नेक्स्ट कस्टम 10 बजे शुरू होने वाला है सीनियर भाई, मजे के लिए इतना टाइम है, और अभी शायद टीडीएम होगा जस्ट नॉर्मल फन और कुछ नहीं। और भाई नहीं आ रहे क्या? तीन ही बंदा, आइए आइए जल्दी जल्दी आइए। हाँ लाइक मांगा था, एक बार मांगा था, दो बार मांगा था शायद भाई लोग, जल्दी जल्दी लाइक का बटन ठोकिए ना, लाइक का बटन जबरदस्त जोर से ठोकिए ताकि वो टूट जाए, लाइक का बटन टूटना चाहिए ब्रो, टूट डालिए ना, यूट्यूब का जाएगा थोड़ी ना हम लोगों का जाएगा, यूट्यूब का ये लॉस कर दीजिए ना, लाइक का बटन जोर से दबा दीजिए, टूटने वाला है वो भाई, टूटने दो ना यार, मोबाइल पे आग लगा दो। फानर वर्ड मतलब फान बोलते, फान मतलब जिंदगी आसान, मन मतलब भाई। ग्रुप में भी आईडी पास दे दिया, आईडी पास दे दिया ग्रुप में, आइए जल्दी जल्दी आ जाइए, हम लोग ग्रुप में भी आईडी पास दे दिया, तो जल्दी जल्दी ग्रुप में आईडी पास फर्स्ट हाँ पास डेबिल हाँ दे दिया, जल्दी जल्दी आ जाइए भाई लोग। और भी और एक भाई आ गया, 3v2 होगा, और एक चाहिए, 3v3 होने से कर देंगे हम।
और एक जल्दी से आ जाओ, 3v3 हो जाएगा। चलिए और एक भैया एमसीयू कैप्टन भाई ने आ गया, टीम ओएनटी भाई लोग भी है, भाई लोग से भी आ गए। आ रहे स्ट्रीम पे आते हैं। फोर वी फोर होना चाहिए। आप कमेंट्री करेंगे या मैं करूं? एक को करना पड़ेगा टीडीएम को। आप करेंगे तो मैं देखूंगा आराम से बैठ के मजे से। ठीक है, हम बोल देंगे, जब बोलेंगे तुम बोल देना। स्टार्ट कर दो भाई। ओके चलो चलो आ गया, हम लोगों का 4v4 हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर टीम टपटप वर्सेस टीम मिस्टर। चलो स्टार्ट। तुम्हारे ख्याल से कौन जीतेगा बोलो, टपटप या मिस्टर? टपटप। तुम टपटप, मैं मिस्टर। ओके देखते हैं टीम टपटप और मिस्टर के बीच फायर, जबरदस्त फायर देखने को मिलेगा। और ये दर्शित ने नेट फेंकते हुए मैं खुद। ओके यस भाई, आप तो हमेशा जीते भाई, कहते जा रहे हैं भाई। तो चलिए स्टार्ट हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पर डॉक्टर शीत ने यहाँ पर आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं सामने की तरफ अपने झोले में दो किल लेने के लिए, लेकिन टीम ओएनटी का बंदा के भी यहाँ पर बहुत ही डैमेज कर दिया डॉक्टर दर्शित ने। लेकिन दर्शित का यहाँ पर मिस्टर का टीम चारों बंदा सामने की तरफ जाते हुए, और यहाँ पर शायद अपना किल अपने झोले में एक किल ले लेगा, लेकिन ओएनटी का भी यहाँ पर मिस्टर का टीम भी नहीं, यहाँ पर टीम क्या बोलते इसको टपटप, हाँ टपटप का था ये टीम, टपटप का था क्या, हाँ ये टपटप के पास ऑलरेडी एक किल, जमना झोले में एक किल ले लिया, तो सामने की तरफ और एक किल लेने वाले हैं। और यहाँ पर दर्शित ने भी यहाँ पर जबरदस्त फायर दिया था, लेकिन और एक बंदे को भाई तीन किल ले लिया मिस्टर टीम टपटप ने, लेकिन यहाँ से भी यहाँ पर टीम वोएनटी का भी एक बंदा यहाँ पर ऑलरेडी एक किल ले लिया, लेकिन टपटप के पास अभी भी चार किल में तीन किल से आगे बढ़ते हुए टीम टपटप। सामने की तरफ पीछे की तरफ से भी जबरदस्त फायर देते हुए मिस्टर टीम ने, मिस्टर टीम के पास अभी भी तीन किल है, लेकिन टपटप के पास सह किल ले गया, लेकिन मिस्टर टीम भी बहुत पीछे हटने वाले से नहीं है, चार किल ले लिया, चौथे टपटप के पास 7 किल है। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई क्या बोले, क्या यार जबरदस्त भाई, सीनियर भाई जीतेगा इधर देखना। टपटप के पास 10 किल मिल गया, 4 किल से आगे बढ़ते हुए पीछे किल के पीछे दर्द हुए टीम मिस्टर टीम के पास 6 किल है, शायद अभी 2 किल मिलने वाला है मिस्टर टीम को। यहाँ पर डीएसपीएस को शायद यहाँ पर खत्म करते हैं, लेकिन डीएसपीएस ने यहाँ पर एक बंदा खत्म कर लिया, और ऑलरेडी उसके बाद मिस्टर ब्रादर ने यहाँ पर खत्म कर दिया मिस्टर सेफ को। डीएस खान ओपी भी धीरे सामने की तरफ बढ़ते हुए, डीएस खान ओपी को शायद यहाँ पर खत्म करते हैं मिस्टर ब्रादर, यहाँ पर एक शॉट लगने से यहाँ पर डीबीएस का नोपी यहाँ पर खत्म हो सकता था, लेकिन उल्टा यहाँ पर मिस्टर ब्रादर को यहाँ पर खत्म कर दिया। तो अभी भी टपटप के पास 13 किल है, मिस्टर के पास है 8 किल, तो 5 किल से पीछे से पड़ गया मिस्टर टीम भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ो, जबर थोड़ा जोश दिखाओ, ऐसे जोश दिखाने से नहीं चलेगा, अभी भी 5 किल से पीछे है भाई। यहाँ पर मिस्टर सुमित और आगे निकल के आएगा, लेकिन दर्शित ने यहाँ पर पीछे से शायद मिस्टर सुमित को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, मिस्टर सुमित भी अपना किल बचाते हुए सामने की तरफ से यहाँ पर घर में घुस गया भाई, यहाँ पर टपटप के घर में घुस के यहाँ पर मारने वाला है मिस्टर सुमित का दाद देता हूँ भाई, घर के अंदर घुस के, लेकिन काम नहीं आया, उल्टा मार दिया मिस्टर सुमित को मार दिया। यहाँ पर भी मिस्टर के पास अभी भी 12 किल है, अभी भी 5 किल से पीछे चल रहा है मिस्टर टीम, तो सामने की तरफ टपटप का टीम भी जबरदस्त खेलते हुए 6 किल से बेहतर आगे बढ़ गया टीम टपटप ये अपना किल लेते हुए मिस्टर टीम की भी बहुत ही कोशिश करते हुए अपने टीम को किल देने के लिए, लेकिन उतना टीम टपटप भी किल नहीं दे रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर मिस्टर सुमित और मिस्टर ब्रादर क्या कर सकते हैं, डीबीएस फेस ने यहाँ पर आगे बढ़ गया मिस्टर ब्रादर को खत्म कर दिया, डीएस फेस ने ओपी खेलते हुए मिस्टर फेस, और सामने की तरफ से भी जा रहा है टपटप, शायद 22 किल मिल गया, लेकिन मिस्टर के पास 14 किल है, अभी भी 9 किल से पीछे है टीम मिस्टर टीम। मेरे ख्याल से तो टपटप जीत गया, बाजी मार ले गया। जबरदस्त वाला फाइट देखने में नजर आ रहे, लेकिन टीम जो कि डीएस का स्क्वाड है तो सब मिल आ चुका है टीम और मिस्टर के पास, और लेकिन यहाँ पे मिस्टर सुनिश्चित के जबरदस्त वाले इसलिए यहाँ पे दो तक दो बंदों को लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही बंदों को खत्म कर पाया सामने की तरफ पीट जाएगा
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा माइनस में माइनस पॉइंट में गया था टीम मिस्टर टीम ने, क्योंकि मिस्टर टीम के पास तीन है और टेपर टप के पास चार बंदा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कोशिश किया। चलिए और भी कोई कोई खेलना चाहेगा? मामा बाय 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 मैं वो अच्छा अच्छा जॉइन करना है। ओके 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 कोई बात नहीं चलो। हेलो ब्रो, हेलो 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 मॉन्सिस्टर ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। आपके पूरा स्क्वाड है? ओके ओके मैं बना रहा हूँ। पूरी स्क्वाड है, रुको स्क्वाड है। डीपीएस सेम ब्रो, वन बी वन बोलेगा। कैसे हो ब्रो? यार ब्रो ठीक ठाक हो ब्रो? आप बताइए। आइए आइए मैं रूम बना रहा हूँ, आइए सब लोग आइए। कौन कौन खेलेगा? मैं आ रहा हूँ ब्रो। ओके ब्रो आइए आइए आइए। अरे भाई रिक्वेस्ट क्यों दे रहे हो? माइक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, एक्सेप्ट कर लो। ये हम लोग के स्लॉट में रहेगा। अरे कौन लगा दिया है? मैंने कुछ करा ही नहीं। अरे लीव कर दो, लीव कर दो। मैं रूम बना के आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, आ जाइए सब लोग को, ठीक है? स्लीपी बाय दर्शित ब्रो, ब्रो साइलेंस टू अल्बी गेमिंग वन बी फोर। ओके ब्रो ओके ओके। अभी फिलहाल टपाटप वर्सेस आप लोग के लिए, टपाटप का पूरा बंदा आएगा, फुल स्क्वाड आएगा, तो उसके साथ देखते हैं 4v4 खेलते हैं, उसके बाद फिर 1v1 हो जाएगा स्लीपी ब्रो वर्सेस एल्बी ब्रो। तो देखेंगे स्लीपी ब्रो और एल्बी ब्रो के साथ ज़बरदस्त फाइट देखेंगे। उससे पहले ये वाला मैच देख लेते हैं, टपाटप वर्सेस कौन और कौन सा स्क्वाड आना चाहेगा बोलिए आप, जल्दी जल्दी बताइए। तो उसके हाँ हम पहले रूम बना लेते हैं। अभी फिलहाल अभी रिक्वेस्ट मत दो भाई, अभी रिक्वेस्ट मत दो, अभी जल्दी जल्दी यहाँ पर आइयो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, क्रिएट रूम। आइए ब्रो, आईडी है 1917205 1917205। ओके ब्रो जल्दी जल्दी आइए। अगर टपाटप के बीच टपाटप वर्सेस और कौन सा कौन कौन खेलेगा बोलिए। ओके ब्रो आइए आइए, मैं अरे दूसरे पर हाँ S3। ओके आइए, मैं आपका आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ 1917205 1917205। ओके ब्रो ओके, और पासवर्ड है डेविल। टपाटप का भाई आप अपना टीम के साथ रहो, दूसरा अभी दूसरा टीम आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अपना टीम के साथ वहाँ पर अपना स्लॉट पे बैठ जाइए। डॉक्टर दर्शित ब्रो आप अपना स्लॉट पे बैठ जाइए, जल्दी जल्दी अपना स्लॉट पे बैठ जाइए।
आइए ब्रो आइए आइए और तीन 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 चार एलबी ब्रो आइए स्लीपी ब्रो भी आइए आइए जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी से जल्दी से आइए लाइक कितना हो गया भाई लोग लाइक का बटन थोकिए भाई लोग लाइक का बटन जबरदस्त ओके बस 20 लाइक का टारगेट किया 20 लाइक तो होना चाहिए भाई लोग 11 लाइक ही है अभी भी भाई लोग क्या कर रहे हो भाई तुम लोग भाई लाइक का बटन थोको 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 जितना हो सके लाइक का बटन थोको भाई लोग मिस्टर भाई आ गया ओके मिस्टर सुमित ब्रो आ गया फोर बी फोर होना चाहिए एलबी ब्रो आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए एलबी ब्रो जल्दी वेट कर रहे हो भाई लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए ब्रो जियूस मैं ही हूँ जियूस आप ही हो क्या ओके ब्रो अरे पता ही नहीं था यार पता ही नहीं चला ऐसे कैसे होगा और दो बंदा चाहिए ब्रो स्लीपी ब्रो कौन था स्लीपी फाइव बाई दर्शित अच्छा दर्शित ब्रो वही है ओके तो इसके बाद दर्शित ब्रो एंड एलबी ब्रो दर्शित ब्रो ने चैलेंज किया भाई एलबी ब्रो आपको आप 1v1 खेलेगा बोल रहा है तो इसके ये मैच ख़त्म होने के बाद दर्शित वर्सेस एलबी देखेंगे कौन कौन कितना कौन किसके पास कितना दम इसके बाद वो देखेंगे ना दर्शित भाई के पास कितना दम है एलबी ब्रो के पास कितना दम है वो देखेंगे इसके बाद तो फिलहाल दो बंदा और भी चाहिए दो बंदा जल्दी आ जाओ 4v4 लगा देंगे नहीं तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा और नहीं तो दर्शित ब्रो आप इस तरह आ जाइए 3v3 लगा देते हैं जल्दी आ जाइए भाई लोग जल्दी आ जाइए ओके चलिए स्टार्ट मारते हैं 3v3 चलिए स्टार्ट अभी मज़ा आएगा ब्रो क्योंकि ऑलरेडी टपा टप ने एक मैच जीत लिया तो अभी देखेंगे एलबी मिस्टर सुमित एंड दर्शित ब्रो तीनों मिल के अभी तो पूरा ही मारेगा तो यहाँ पर है डीएस फैज भाई डीवीएस खान ओपी ब्रो और एक बंदा था किधर गया दो ही बंदा है और एक बंदा नहीं आया था और एक बंदा नहीं आया टीम मैच लेट्स गो मिल गया अभी आ गया ये 3v3 हो रहा है और यहाँ पर टपा टप वर्सेस एलबी देता हूँ मिस्टर की तो कमेंट हो गया तो यहाँ पर टीम नंबर टपा टप ने ऑलरेडी एक किल मिल गया लेकिन दोनों तरफ से बैच इक्वल हो गया टू बी वन हो गया यहाँ पर टपा टप ने दो किल ले लिया सामने की तरफ से ये दर्शित का था ना दर्शित का था ये किल शायद दर्शित का होगा हाँ दर्शित ना टपा टप के पास दो किल है और दर्शित के पास दर्शित को यहाँ पर और किल मिलते हुए तीन टपा टप को डीबीएस खान ओपी बहुत ओपी खेलते हुए डीबीएस ओपी खान ने यहाँ पर और एक बंदे को नॉक कर दिया जियूस भाई ने यहाँ पर डीबीएस पेस को खत्म कर दिया एम पर से खत्म टीम से कोई नहीं आएगा भाई ओके ओके नो प्रॉब्लम और यहाँ पर दर्शित के साथ फाइट होते हमने की तरफ डीबीएस खान ओपी भाई को यहाँ पर खत्म कर दिया दर्शित ने जियूस के सामने है टीम स्कॉट ओपी को यहाँ पर खत्म कर दिया दर्शित के सामने है और यहाँ पर दर्शित के पास चार किल टॉपर टॉप के पास है छह किल तो देखते हैं यहाँ पर टीम दर्शित क्या कर सकते हैं अभी भी दो किल से पीछे है टीम दर्शित यहाँ पर शायद और दो किल ले सकता है लेकिन दर्शित के सामने है डीबीएस कैनोपी प्रो डीबीएस कैनोपी को यहाँ पर खत्म कर सकते क्योंकि दो बंदे यहाँ पर है दो बंदे को यहाँ पर खत्म कर दिया सकता था डीबीएस कैनोपी तो ओपी खेला ब्रो और यहाँ पर टॉप टॉप के पास है बट सेवन किल लेकिन दर्शित के पास है और सिक्स किल अभी भी एक किल के पीछे है लेकिन यहाँ पर इक्वल कर दिया शुभम ब्रो भाई यह गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं ब्रो चलेगा खेलो और यहाँ पर दर्शित भाई ग्रोजा से यहाँ पर मारते हुए जियूस भाई को यहाँ पर जबरदस्त फायर जबरदस्त डैमेज देते हुए जियूस भाई सामने लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ से यहाँ पर
दर्शित को तो डैमेज देते हो, लेकिन वो चाहे वो अपना ही टीममेट है दर्शित भाई। और यहाँ पर दर्शित भाई के साथ स्क्वाड ओपी को यहाँ पर खत्म करते हैं, एम्बर से बना देते हुए, लेकिन थोड़ा सा हालत कर रहे हैं। बीपी यहाँ पर शायद ग्रोजा से खत्म कर दिया दर्शित, दर्शित ओ भाई ओपी दर्शित को अभी किल एक 11 किल मिल गया, टपाटप को 8 किल मिल गया। टपाटप अभी फिलहाल 3 किल से पीछे चल रहा है, तो 3 किल अभी चल रहा, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है टीम टपाटप। और यहाँ पर स्क्वाड ओपी यहाँ पर आ गया, ग्रोजा से लेके आ गया सामने की तरफ, यहाँ पर दर्शित को खत्म कर दिया। तो डीबीएस कौन सा था वो, क्या नाम था, स्क्वाड ओपी, तो ओपी भी ये भाई भी ओपी खेल दो सामने की तरफ है। डीबीएस खान ओपी को खत्म कर दो दर्शित भाई ने, दर्शित भाई भी यहाँ पर ग्रोजा से डीबीएस फेस को यहाँ पर जबरदस्त डैमेज देते हो, तो डीबीएस फेस भी यहाँ पर अपना अपना किल सिक्योर करते हैं, लेकिन अब वो भी से थोड़ा खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी अपना टपाटप के पास 10 किल और सामने की तरफ है डीबीएस, टपाटप का स्क्वाड ओपी को भी खत्म कर देते दर्शित भाई के पास अपने 14 किल हो गया टपाटप के पास 10 किल, अभी भी 4 किल से पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे से आगे यहाँ पर दर्शित भाई को गान मार देते डीबीएस खान ओपी प्रो ने। डीबीएस खान ओपी प्रो अभी थोड़ा सा अपना टीम को किल देते हुए, तो 12 किल मिल गया अभी ऑलरेडी टीपी टपाटप को भाई को, लेकिन यहाँ पर दर्शित किल दर्शित भाई लोगों के भी दर्शित भाई लोगों के पास भी 14 किल 2 किल से अभी भी आगे बढ़ते हैं दर्शित भाई लोगों को, लेकिन पीछे की तरफ से भी टपाटप भाई भी बहुत ही जबरदस्त किल देते हो, अपना टीम को किल देते हो। और 13 बाई 15 हो गया, और एल्डर 14 बाई 15 हो गया, तो ऑलरेडी यहाँ पर टपाटप अभी भी फिलहाल टपाटप 1 किल से पीछे चलते हो, और टपाटप को और एक और किल मिल जाएगा, लेकिन भाई अपना टीममेट को मत मारो, अपने टीममेट को मारने से कुछ कोई फायदा नहीं, दूसरी को मारो। यहाँ पर डीबीएस खान ओपी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जीएस भाई के साथ, यहाँ पर जबरदस्त फाइट होते हैं डीबीएस खान ओपी यहाँ पर भी ओपी खेलते हो, जीएस भाई को भी खत्म करते हैं, लेकिन जीएस भाई भी यहाँ पर डीबीएस खान ओपी को भाई खत्म करते हैं दर्शित भाई ने, यहाँ पर डीएस फेस को यहाँ पर खत्म कर दे, तो अपना टीम के साथ यहाँ पर 7 किल मिल गया ऑलरेडी दर्शित भाई लोगों को, लेकिन टपाटप के पास 15 किल 2 किल अभी भी पीछे चल रहा है, पीछे की तरफ से डीबीएस खान ओपी यहाँ पर जीएस की तरफ से यहाँ पर एम पर से जबरदस्त फायदा देते हैं, और जीएस भाई को यहाँ पर खत्म करते हैं डीबीएस खान ओपी, डीएस फेस ने यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दर्शित को खराब दोनों मिल गए यहाँ पर खत्म कर सकते, दर्शित भाई ने यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदे को खत्म करते, दर्शित भाई को यहाँ पर डीएस फेस ने यहाँ पर खत्म कर दिया, तो अपना किल थोड़ा बहुत ही जबरदस्त कर दिया, इक्वली कर दिया, 17 हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर अभी कौन किल ले सकते हैं, कौन अपना टीम को आगे बढ़ने आगे बढ़ रहे, तो यहाँ पर सामने के डीबीएस खान ओपी डीएस फेस और आगे बढ़ते हैं टीम जीएस भाई के साथ, यहाँ पर जबरदस्त खान डीबीएस खान भाई ओपी के साथ, डीबीएस यहाँ पर जीएस भाई ने अपना एम टू पर हाथ ले M24 लेके गलत कर दिया, अपना टीम अपना किल दूसरे यहाँ पर दे दिया, तो अभी फिलहाल टीबीएस टपाटा भाई यहाँ पर दो किल से आगे बढ़ते हैं, और डीबीएस खान ओपी को यहाँ पर खत्म करते हैं, और यहाँ से भी दर्शित भाई ने यहाँ पर एक अपना टीम को एक किल देते हुए डीबीएस फेस ने यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से आते, और यहाँ से ग्रोजर से लेके यहाँ पर दर्शित भाई ने डीएस फेस को यहाँ पर खत्म कर दिया, अपना टीम को यूकेल कर दिया किल। बीच में कौन आ गया भाई, सॉरी भाई दूसरा मैच क्या बना, ओके ब्रो ओके ओके दूसरा मैच भी लगाएंगे, अरे कोई नहीं जितना मैच खेलना चाहेंगे तो सभी लोग खेलेंगे, सब उतना ही खेला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी टपाटप के भाई लोग के पास है 20 किल, लेकिन दर्शित भाई लोग के पास है 19 किल, लेकिन यहाँ से भी ओपी शॉट देके पट्टे से हेडशॉट दिया था डीएस पेस ब्रो ने, यहाँ ब्रो ने यहाँ पर पट्टे से हेडशॉट देके यहाँ पर अपना टीम को एक किल देते हुए, तो सामने की तरफ है यह डीएस पेस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डीबीएस खान ओपी के भी जबरदस्त जीएस के पास के जबरदस्त फायर होते हैं, डीबीएस जीएस भाई को यहाँ पर खत्म कर देगा M4 से, डीबीएस खान ओपी को भी यहाँ पर कवर फायर देते हैं, लेकिन दर्शित भाई को भी यहाँ पर डीबीएस खान ओपी ने बहुत ही जबरदस्त खेल दिया, डीबीएस भाई को यहाँ पर देखते हैं डीबीएस भाई ने बहुत ही ओपी खेलते, तो डीबीएस भाई को थोड़ा देखते यहाँ पर डीबीएस भाई ने बहने ग्रोजा लेके आता, लेकिन दर्शित भाई ने उल्टा और डीबीएस कौन को भी यहाँ पर खत्म करते अपना टीम को किल देते हैं, तो टपाटप के पास भी अभी भी 23 किल है, दर्शित भाई लोग के पास 22 किल, तो अभी भी एक किल से पीछे चल रहा टीम दर्शित टीम, लेकिन टपाटप अभी भी एक किल से प्लस में चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर भी और एक किल मिल गया, और यहाँ पर टीम नंबर 20 टीम यहाँ पर दर्शित को यहाँ पर 23 किल मिल गया, टपाटप को पास 24 अभी 24 हो गया, तो भाई जबरदस्त फाइट होते हुए भाई जबरदस्त कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कोई किसी पीछे नहीं हटने वाला है, कोई भी किसी भी नहीं हटने वाला है, कि ऑलरेडी 24-25 हो गया, यहाँ पर दर्शित भाई लोग 26 किल मिल गया, टपाटप भाई लोग अभी भी 2 किल में अभी पीछे फिर से पीछे पड़ गया, तो ये भी 2 किल अपना आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, डीबीएस खान ओपी यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर दर्शित भाई को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, रोजा से फायर दिया था थोड़ा सा डैमेज हो गया, लेकिन यहाँ पर दर्शित ने यहाँ पर डीबीएस खान ओपी को भाई को यहाँ पर खत्म कर दिया, तो सामने की तरफ देखते हैं सामने के डीएस खान ओपी यहाँ पर अपना टीम को किल देते हुए, और अपना भी किल दूसरे को देते हुए यहाँ पर दर्शित भाई लोग को दर्शित भाई लोग के पास 28 है, और यहाँ पर टपाटप भाई लोग के पास 26 किल है, दो किल से पीछे पड़ गया, यहाँ पर टपाटप किल यहाँ पर दर्शित भाई आपका आगे बढ़ तो यहाँ पर डीएस भाई को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, लेकिन डीबीएस खान ओपी को भाई को यहाँ पर भी जबरदस्त दिया था डीबीएस भाई का ओपी यहाँ पर गोला से लेके यहाँ पर दर्शित भाई को खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पर जीएस भाई भी पीछे से आ गया डीबीएस खान को भी खत्म कर दिया, एक बंदा ने दो बंदे को खत्म कर दिया भाई, अपना टीम को 2 किल देते हुए जीएस ने, तो ओपी इन द सर टीम जीएस भाई, तो 30 किल हो गया जीएस भाई लोग के पास, टपाटप के पास 27 किल, तो 3 किल अभी भी पीछे चल रहा है, 3 किल अपना और 1 किल प्लस में ले लिया डीबीएस खान ओपी यहाँ पर आराम से 1 किल ले सकते दर्शित भाई को आराम से खत्म जीएस भाई को आराम से खत्म कर सकते जीएस भाई, अभी थोड़ा बढ़ लेते अपना हेल्थ को
लेकिन यहाँ से दर्शित भाई आ गया कि यहाँ पर जियोस ड्रीवियस खानोपी को ख़त्म कर दिया अपना और अपना टीम को एक किल प्लस में कर दिया। तो यहाँ पर अभी भी शायद मेरा पल्ला भारी हो गया। टीम दर्शित के पास 31 किल है, टीम टपाटप के पास 29 किल है, अभी भी 2 किल से पीछे चल रहा है टीम टपाटप। सामने की तरफ टीम दर्शित आते हुए यहाँ पर स्कॉडोपी यहाँ पर टीपी भी ले तो है दर्शित के पास। यहाँ पर देखते हैं दर्शित जीता या स्कॉडोपी जीता और यहाँ पर शायद यहाँ पर दर्शित को हारा दिया, दर्शित को ख़त्म कर दिया स्कॉडोपी के ओपी ने और अपना टीम के और एक किल प्लस करते हुए। तो यहाँ पर टीम टपाटप के पास 30 किल है और टीम दर्शित के पास है 32 और यहाँ पर जीयूस भाई को यहाँ पर ख़त्म कर दिया डीएसपीएस ने, डीवीएस खान ओपी ने। तो ओपी भाई ओपी डीवीएस खान ओपी बहुत ही जबरदस्त खेलते हुए और सामने की तरफ है जीयूस भाई और थोड़ा सा आगे निकल के आते हुए लेक राइट की तरफ से यहाँ पर दर्शित भाई ने यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट को कवर देते हुए। तो यहाँ पर डीवीएस खान ओपी टीपी भी लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर जीयूस भाई को खत्म करता है या दर्शित भाई को खत्म करते हैं। लेकिन डीवीएस खान का भी बहुत ही हेल्थ लो है, दर्शित भाई को भी 10 एचपी बचा नहीं है, लेकिन पीछे की तरफ से यहाँ पर बाजी मार लिया जीयूस भाई ने अभी भी अपना टीम को और एक किल देते हुए। यहाँ पर दर्शित भाई लोग के पास 33 किल है, टपाटप के पास 32 किल है भाई, जबरदस्त फाइट होते हुए ओपी फाइट देखने को मिल रहा है हम लोग का टीडीएम, बहुत ही जबरदस्त टीडीएम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर दर्शित भाई को दोनों मिल के पेला। तो यहाँ पर भी अपना किल के ले लिया 33 कर दिया भाई, ओ भाई ओपी ब्रो 34 कर लिया, टपाटप टीम अपना किल को और एक प्लसमैन का प्लस कर लिया। तो देखते हैं दर्शित भाई अपना टीम को और एक किल दे पाता है कि नहीं, और शायद यहाँ पर और एक किल कर दिया भाई 35 हो गए। यहाँ पर जीयूस भाई ने और अपना टीम को और एक किल प्लसमैन कर दिया, लेकिन यहाँ पर डीवीएस खान ओपी ब्रो यहाँ पर शायद यहाँ पर दर्शित भाई को खत्म कर सकता है, लेकिन दर्शित भाई भी ग्रोजा लेके आ गया डीवीएस खान भाई ग्रोजा से यहाँ पर दर्शित भाई को खत्म करते हैं। जीयूस भाई पीछे जाते हुए दर्शित खान डीवीएस खान के ऊपर ओपी के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन डीवीएस खान के पीछे से यहाँ पर कवर दे दिया डीएसपीएस भाई ने, बहुत ही जबरदस्त कवर दिया था, अपना टीम मेट को बचा लिया। अभी फिलहाल टपाटप के पास है 37 किल और दर्शित भाई लोग के पास है 35 और यहाँ पर पीछे से जयस पास नहीं, यहाँ पर जबरदस्त किल ले पाएगा जयस भाई को यहाँ पर खत्म कर सकते, लेकिन जियोस भाई ने डीवीएस खान ओपी को जबरदस्त यहाँ पर एम्बर से बहुत ही जबरदस्त अच्छे से अपना टीममेट को टीम को किल देते हुए 37/36 हो गया। तो देखते यहाँ पर 36 कौन जीतेगा भाई लोग, कौन जीतेगा मेरे ख्याल से तो टीपी पे टपाटप के भाई लोग के पास बहुत ही एक प्लस पेन है, क्योंकि ये टाइम में अभी भी एक किल में प्लस में चल रहा है टीम टपाटप और यहाँ पर जबरदस्त किल देते हुए डीवीएस खान ओपी ब्रो यहाँ पर एक किल लिया था, लेकिन अपना भी किल दे दिया दूसरे को। तो अभी देखते हैं 39 और एक किल चाहिए टीम टपाटप को, देखते हैं ये किल ले पाएगा कि नहीं टीम टपाटप, लेकिन दर्शित भाई लोग के चाहिए 3 किल। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डैमेज दे दिया जियोस भाई को, थोड़ा सा बहुत ही हल्दा हो गया डीएसपीएस थोड़ा आगे निकाल दे और यहाँ पर भी दर्शित भाई ने यहाँ पर अपना टीम को दे सकते जियोस भाई और टीम डीएसपीएस को यहाँ पर डीएसपीएस को एक किल दिया, तो एक किल चाहिए 2 किल मिल गया भाई। ओ भी कौन जीतेगा ब्रो, कौन जीतेगा 39 कैसा मिल रहा है भाई, क्या ही जबरदस्त फाइट देखने को मिल रहा है भाई हम लोगों को। यहाँ पर टीम दर्शित और टीम टपाटप के बीच जबरदस्त टीडीएम देखने को मिल रहा है भाई और यहाँ पर 39/39 और एक किल चाहिए, कौन लेगा ये किल, कौन लेगा ये, डीवीएस खान ओपी ब्रो लेगा या डीवीएस डीएसपीएस ब्रो लेगा या जीएस ब्रो लेगा या दर्शित भाई लेगा। तो देखते हैं यहाँ पर 2v2 हो रहा है, 2v2 जबरदस्त फाइट देखने को मिल रहा है, डबल यहाँ पर 2v2 हो रहा है डीवीएस खान ओपी को और यहाँ पर विनर भाई विक्टोरी मिला हम लोग जियोस भाई लोग को भाई ओपी ब्रो और यहाँ पर जबरदस्त खेला हम लोग एलबी ब्रो के पास है 23 किल और दर्शित ब्रो के पास है 16 किल और यहाँ पर भी डीवीएस खान ओपी भी जबरदस्त खेला 18 किल के साथ और यहाँ पर डीएसपीएस को ब्रो को मिला 10 किल। तो ओपी इन द चार दोनों टीम, क्योंकि बहुत ही मज़ा आ गया ब्रो, बहुत ही मज़ा आ गया। अरे 39 क्या हुआ, ड्रॉ हो गया क्या, ड्रॉ हुआ। बीच में कौन है, शुभम ब्रो, शुभम साहब ब्रो, ओ पी बहुत ही जबर गजब लगा ब्रो, गजब, ये तो स्क्रीनशॉट बनता है ब्रो, ये तो स्क्रीनशॉट बनता है, क्या ही मैच दिखाया भाई लोग, क्या ही मैच दिखाया। ओपी मांगते ओपी बोलते ब्रो ओपी। अरे ब्रो कैंपर लोग को मत लिया करो, क्रोजर लेके कैंप करते क्या करते ब्रो। तो ब्रो ब्रो एम्पर लेके आया करो, टीममेट अच्छे नहीं थे ना, टीममेट अच्छे नहीं थे भाई डीपीएस, तो था मस्त मैच, क्रोजर लेके मत आया करो, एम्पर लेके आया करो। हाँ बनाओ बनाओ, रुक जाओ हम लोग पूरी। अरे मैं खेलूंगा, किसने
बोला बोला कौन था खेलते हैं खेल के देखते हैं खेलो मेरे को स्पेक्टेट में डाल दे बोल क्या खेलेगा M24 खेलेगा मेरे साथ M4 ब्रो M24 M4 मैं को नहीं लगता कि मेरे साथ खेलेगा चल चल M24 ही खेल लेते चलो चलो ब्रो M24 चल M24 ओके चलिए फेस को स्पेक्टेट में रख दो ठीक है मुझे खेलना नहीं आता है हां होगा मत कर मुझे ज्यादा हाँ ठीक है मुझे ज्यादा अच्छा से नहीं आता है थोड़ा हाँ चलो ठीक है चलो अभी होने वाला है एलबी भाई और वर्सेस डीबीएस खान ओपी ब्रो तो देखते हैं कौन जीतेगा M24 वर्सेस M24 चलिए देखेंगे अभी इस बार तो कौन लेके जाता है चिकन डिनर आ गया ओके 1v1 डीबीएस खान ओपी और ज्यूस ब्रो ओके देखते हैं 1v1 होने वाला है अभी तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई बहुत ही मजा आया लास्ट वाला जो टीडीएम था ना बहुत ही गजब लगा गजब गजब वाला और भाई लोग जल्दी जल्दी लाइक का बटन भी थोप डालीजिए जीजेज भाई ने अभी भी लाइक का बटन अरे मैच चला गया अरे भाई 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 सॉरी गलती हो गया यार अरे गलती हो गया अरे मैंने चेंज नहीं कर पाया अरे भाई गलती हो गया वो दे नोट दिखाया नहीं अभी नेटवर्क का इशू है क्या फिर से ओ भाई अभी प्रो प्लेयर कौन जीतेगा पता नहीं शुभम ब्रो नरन लगा दिया चलिए हो गया M24 से होगा एलवी वर्सेस डॉक्टर डीबीएस खान ओपी प्रो तो देखते हैं अभी तो जबरदस्त देखेगा फाइट देखने को मिलेगा प्रो वर्सेस प्रो जो भाई शुभम भाई ने जो बोला प्रो वर्सेस प्रो ज्यूस भाई अभी भी आगे बढ़ते हैं डीबीएस खान भाई भी यहाँ पर स्लाइडिंग करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर शॉट लिया था लेकिन शॉट नहीं लगा तो देखते यहाँ पर ज्यूस भाई ने यहाँ पर एक किल मिल गया तो यहाँ पर डीबीएस खान ओपी भाई को यहाँ पर खत्म कर दिया ज्यूस भाई के पास एक झोली में एक किल मिल गया तो सामने भी जाते हैं डीबीएस खान ओपी प्रो यहाँ पर भी शायद ज्यूस भाई को यहाँ पर खत्म कर सकते खत्म कर सकते हैं डीबीएस खान ओपी ब्रो यहां पर खत्म कर दिया यस अभी ऑन बी वन कर दिया ओ भाई गजब कताई जय रीटो फेस ब्रो भाई डीएस फेस बोल रहा हूं ओके ब्रो थैंक यू ब्रो आयन शेख मैं हूं डीबीएस खान ओपी आयन शेख हाँ सच में अरे गजब तो देखते यहाँ पर भी और यहाँ पर जबरदस्त फाइट होते और यहाँ पर भी डीबीएस खान ओपी को ओपी ब्रो को और एक किल मिल गया ज्यूस और भाई अपना यहाँ पर किल मिलते ही डांस देते वही भाई गजब का डांस और यहाँ पर ज्यूस भाई भी यहाँ पर शायद क्या बोलने वाला है ब्रो भाई चीटिंग नहीं होगा क्या कर रहे हो अभी फिलहाल क्या बोल के क्या सुना भी नहीं ये तो नहीं होगा भाई क्या बोल रहे हो भाई क्या बोला था वो तो बोलना चाहिए और यहाँ पर भी ज्यूस भाई ने यहाँ पर डीबीएस खान ओपी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया और अपना ये पॉइंट टेबल यहाँ पर यूकेल कर दिया दो किल कर दिया और यहाँ पर डीबीएस खान ओपी यहाँ पर भी शॉट जबरदस्त शॉट लिया था लेकिन वो शॉट नहीं लगा तो देखते यहाँ पर ज्यूस भाई को भी खत्म कर दिया यहाँ पर डीबीएस खान ओपी को ओपी ब्रो ने यहाँ पर ऑलरेडी 3 किल मिल गया डीबीएस खान ओपी ब्रो के सामने की तरफ यहाँ पर ज्यूस भाई के पास 2 किल यहाँ पर ज्यूस भाई भी 1 किल लेना चाहेंगे लेकिन यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ज्यूस भाई किल ले सकता है कि नहीं सामने की तरफ से यहाँ पर टीपी भी लेते हैं ज्यूस भाई ने और लेफ्ट की तरफ से यहाँ पर भी जबरदस्त शॉट देते हुए M24 से पिक एंड शॉट देखिए यहाँ पर अपना पास एक किल लेते हुए सॉरी तो यहाँ पर शायद डीबीएस खान ओपी ब्रो और एक किल लेना चाहेगा और यहाँ पर लेकिन ज्यूस भाई के पास यहाँ पर भी 4 किल मिल गया डीबीएस खान ओपी पर एक किल से पीछे चल रहा है यहाँ पर देखने के लिए एक किल प्लस करने के चाहेगा डीबीएस खान ओपी ब्रो यहाँ पर और एक किल ले सकते हैं यहाँ पर देखते हैं भाई
भाई सेस ले ले ब्रो, चार्ज लेने का टाइम नहीं होता। देखो जबरदस्त है, दोनों के पास है 10 SP भाई, 10 SP। और यहाँ पर मुक्का मुक्का चल रहा है, यहाँ पर जीव भाई ने यहाँ पर मुक्का देते हुए दिव्यास खान ओपी ब्रो के पास, ओपी ब्रो के पास यहाँ पर भी हेल्थ बहुत ही बढ़ गया। लेते हैं यहाँ पर भी क्या किल ले सकते हैं दिव्यास खान ओपी ब्रो, यार ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया दिव्यास खान ओपी, यहाँ पर किल ले लिया, तो यहाँ पर 4 किल हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर, और पीछे की तरफ से जीव भाई आते हुए, जीव भाई भी अपना किल लेना चाहेगा। देखते हैं यहाँ पर सामने की तरफ भी दिव्यास खान ओपी सामने धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं सामने की तरफ, और 4x M24 लेकिन ऊपर भी है जीव भाई। जीव भाई यहाँ पर भी क्या कर रहा है भाई, उधर सामने की तरफ जाओ, यहाँ पर नहीं हो चलेगा, सामने सामने हो जाओ। और रेड डॉट विद M24 और एक अपने के स्किल ले लिया M24 पे भाई, जबरदस्त शॉट मारा था पट्टे से, हेडशॉट देके यहाँ पर अपने के पास और एक किल ले लिया सामने के DBS का ओपी को। ब्रावो वहाँ पर एक शॉट लिया था लेकिन वो शॉट नहीं, थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा सा किले मिस हो गया DBS का ओपी। ऊपर टीपी भी लेते हुए जीव भाई भी अपना रीलोड करते हुए अपना गन को यहाँ पर देखते हैं, और DBS का ओपी को शायद यहाँ पर और किल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भाई जीव भाई को किल मिल गया। तो 6 किल मिल गया अपने के पास DBS का, जीव भाई के पास ले DBS खान के पास भी 2-4 किल है, 3 किल से पीछे चल रहा है DBS खान ओपी ब्रो। जीव भाई को अभी भी 3 किल से प्लस में हो गया, तो प्लस हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर भी और एक किल मिलने वाला है जीव भाई को लेफ्ट की तरफ से, यहाँ पर DBS खान ओपी आगे बढ़ते हैं जीव, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जीव ने क्या कर सकते हैं, किल ले सकते हैं, यहाँ अपना किल देगा तो शायद यहाँ से किल मिलेगा DBS भाई को। यहाँ पर नहीं, उल्टा जीव भाई ने यहाँ पर उल्टा किल ले लिया भाई। ओ भाई जबरदस्त डेंस मारो, एक बहुत जबरदस्त डेंस मारो भाई। और सर लेफ्ट के राइट की तरफ से यहाँ पर आते हुए तो देखते हैं DBS खान भाई, यहाँ पर एक किल ले लो भाई तुमसे बहुत ही। ओ भाई क्या हो गया DBS खान ओपी ब्रो, क्या हो गया? ओ ओ अच्छा ये वाला इमोट जबरदस्त, और एक किल ले लिया। अरे ये तो क्या हो रहा है, अरे वाह। चलो सामने की तरफ, और अभी तो फिलहाल पल्ला भारी हो गया जीव भाई के साथ, फिर जीव भाई का पल्ला भारी हो गया, 10 किल मिल गया। लेकिन DBS खान ओपी ब्रो का अभी 5 किल हो गया और 1 किल मिल गया भाई, फॉर्म में चला गया DBS खान ओपी ब्रो ने अभी फॉर्म में आ गया। तो देखते हैं यहाँ पर जीव भाई क्या कर सकते हैं, DBS खान ओपी का ब्रो तो अभी तो फॉर्म में चला गया कि ऑलरेडी और 1 किल मिल गया, 5 किल से पीछे चल रहा है, तो दो लगातार 3-4 किल लेना पड़ेगा DBS खान ओपी ब्रो को, और 1 किल ले सकता है यहाँ पर DBS खान ओपी ब्रो। यहाँ पर शॉट लगा था, थोड़ा सा हल्का सा शॉट लगा था, देखते हैं यहाँ पर पूरा दिमाग सर पे मारना चाहिए, और थोड़ा सा और 1 किल और थोड़े के पास कान के पीछे से दे दो, वहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी से जीव भाई ने यहाँ पर किल ले लिया। तो अभी फिलहाल 11 आपका आईडी नंबर दे दो, ओके ब्रो मैं दे रहा हूँ। तो अभी फिलहाल अभी जीव भाई के पास 11 किल है, DBS खान के पास है 5 किल, 6 किल से पीछे चल रहा है DBS खान ओपी। अभी फिर DBS खान के पास टाइम नहीं है, जल्दी किल करना पड़ेगा तब ये मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएगा। और DBS खान ओपी को शॉट लगा, थोड़ा सा अभी और 1 किल, थोड़ा सा अगर कान के पास में से भी अगर गोली चला जाए ना तो यहाँ पर खत्म हो सकता है, और वो भी वही हुआ। तो जीव भाई के पास है 12 किल, DBS खान के पास है 5 किल, तो 7 किल से पीछे चल गया। तो मेरे ख्याल से तो अभी ये मैच हद से चला गया, DBS खान के हद से चला गया। और यहाँ पर टीवी भी लेते हैं, और जबरदस्त एक पट्टे से हेडशॉट स्लाइडिंग देखी, यहाँ पर पट्टे से हेडशॉट देते हुए जीव भाई को यहाँ पर खत्म कर दिया। तो DBS खान ओपी ब्रो अभी भी 6 किल से पीछे पड़ रहा है, DBS खान ओपी ब्रो को लगातार किल देना पड़ेगा यहाँ पर अगर ये मैच जितना है तो। लेकिन अपना लगातार किल देते हुए जीव भाई के तरफ से, जीव भाई को भी 13 किल मिल गया। लेकिन यहाँ पर DBS खान ओपी को अभी भी 6 किल है, अभी भी 7 किल से पीछे चल रहा है DBS खान ओपी। यहाँ पर अभी ये किल लेना ले सकता है मेरे ख्याल से, अगर नहीं लोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा DBS खान ओपी। यहाँ पर ऑलरेडी किल ले लिया, यस DBS खान ओपी यहाँ पर किल मिल गया अपने के पास, और एक किल प्लस करते हुए अभी थोड़ा सा DBS भाई को यहाँ पर थोड़ा सा स्पेक करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जीव को और एक बंद और एक किल ले सकते हैं, लेकिन लगातार 3-4 किल लेना पड़ेगा। और यहाँ पर 100 के मार दिया, 100 के पट्टे से हेडशॉट दे दिया DBS खान ओपी ब्रो को। तो DBS खान ओपी ब्रो अभी भी 7 किल से पीछे चल रहा है, ओके तो और 1 किल देते हुए DBS खान ओपी भाई, किल लेना है, किल देना नहीं है ब्रो, किल लेना है, टाइम है बस 4 मिनट अभी भी बाकी है, तो 4 मिनट में भी अपना 8 किल जबरदस्त लगातार 8 किल लेना पड़ेगा तभी जीत पाओगे। और यह तो बहुत ही एक के ऊपर स्लाइडिंग करते हुए और स्लाइडिंग करते करते अपने पास 1 किल प्लस करते हुए, तो DBS खान के पास अभी 8 किल है, और जीव भाई के पास 15 किल है, 15 किल अभी भी 7 किल से प्लस पॉइंट है DBS भाई का, तो सॉरी जीव भाई को अभी थोड़ा अभी भी पल्ला भारी है, 7 किल अभी भी प्लस पॉइंट में है। और यहाँ पर DBS खान होती है, यहाँ पर 1 किल नहीं अगर नहीं लेगा तो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। और यहाँ पर अपना किल देते हुए भाई लगातार किल क्यों दे रहे हो भाई, लगातार किल लेना है, मत दो किल मत दो, अगर ये वाला मैच जीतना है तो लगातार देना है, लगातार किल लेना है, 2-3-4 एक साथ किल लेना पड़ेगा DBS भाई के पास 8 किल। और यहाँ पर
जीवस भाई के पास 16 किल और ऑलरेडी एक किल ले लिया। डीबीएस का डीबीएस खान ओपी प्रो ने यहाँ पर भी बहुत ही जबरदस्त हेडशॉट मार के एक किल ले लिया। तो सामने की तरफ से अभी जीवस भाई आते हुए सामने की तरफ से और यहाँ पर टीपी भी लेते हुए डीबीएस खान भी ओपी प्रो के यहाँ पर शायद पट्टे से हेडशॉट देगा और बोलते बोलते यहाँ पर पट्टे से हेडशॉट मार दिया भाई। बोला था ऐसे मत जाओ इस तरफ से किल लो, राइट की तरफ से थोड़ा रोटेट करो और सामने की तरफ आ गए। अभी यहाँ पर एक किल नहीं ले सकते हैं डीबीएस खान ओपी प्रो। यहाँ पर डीबीएस खान ओपी का हेल्थ यहाँ पर नहीं, मेरा ये गलत कर दिया डीबीएस खान ओपी और अभी भी एक किल ले लिया लेकिन 7 किल से अभी भी पीछे चल रहा है भाई। 3 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, 2.5 मिनट बाकी है, 2.5 मिनट टाइम है, 2.5 मिनट भी नहीं है, 2.5 मिनट अभी धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है। तो भाई किल भराना है, किल भराओ और ज़बरदस्त यहाँ पर रोटेट करते हुए ज़बरदस्त इस पर स्लाइडिंग करते हुए डीबीएस खान ओपी लेकिन किल नहीं मिल रहा है। स्लाइडिंग करो किल लो, अगर स्लाइडिंग करके अगर किल दोगी तो अपना ये मैच तो हारने वाला हो। अभी फिलहाल 8 किल से पीछे चल रहा है डीबीएस खान ओपी ने और जीवस भाई को अभी भी 8 किल से प्लस पॉइंट है। अभी भी डीबीएस खान शायद यही बोला मैच जीत जाएगा, बाजी मार लेगा जीवस भाई ने। ओके किल ले लिया यहाँ पर डीबीएस खान ओपी, अभी भी 7 किल चाहिए, 7 किल नहीं 8 किल चाहिए, लगातार 5 किल दो यहाँ पर ज़बरदस्त एक पट्टे से हेडशॉट दो और यहाँ पर पट्टे से हेडशॉट देके और अपने पास एक किल प्लस करते हुए डीबीएस खान ओपी। यहाँ पर जीओस भी भाई को और एक किल मिल सकता है, यहाँ पर डीबीएस खान ओपी को और एक किल मिल सकता है और मिल गया भाई। ओ भाई ऐसे खेलो ना, ऐसे खेलना चाहिए भाई, ज़बरदस्त लगातार 3 किल बैक टू बैक 3 किल मिल गया डीबीएस खान ओपी को और बैक टू बैक 4 किल चाहिए और घर के अंदर है। पीछे देखो और यहाँ पर जियोस यहाँ पर थोड़ा सा पीछे चलते हुए क्योंकि थोड़ा सा कवर लेते हैं, कवर लेके यहाँ पर मारने की कोशिश है जियोस भाई को और यहाँ पर ऑलरेडी मार दिया डीबीएस को और अपने के पास एक किल क्लास करते हुए। तो अभी फिलहाल टीम डीबीएस के पास है 13 किल, जियोस के पास है 19 किल, तो अभी भी फिलहाल 6 किल से पीछे है डीबीएस का ओपी को। लगातार 3 किल चाहिए, 4 किल चाहिए अगर ऐसा ये मैच जीतना है तो, क्योंकि ऑलरेडी 1 मिनट है, 1 मिनट बचा है बस, 60 सेकेंड बचा है और किल चाहिए डीबीएस खान को, किल चाहिए 5-6 किल चाहिए लगातार, वो भी लगातार किल चाहिए। अगर ये किल बराबर नहीं कर पाएगा तो बाजी मार लेगा जीवस भाई। तो जीवस ब्रो को भी थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होते हुए लेकिन डीबीएस खान को यहाँ पर बहुत डैमेज, बहुत ही ज़बरदस्त डैमेज दिया लेकिन ये पिस्तौल से मारना बहुत ही गलत किया। पिस्तौल से नहीं मानेगा ब्रो, पिस्तौल से मारने का नहीं है ये, से पिस्तौल से मारने का नहीं, ये तो एक प्लस एक माइनस में चला गया जीवस भाई का। अभी तो 19 के लिए पकड़ूंगा और यहाँ पर डीबीएस खान को एक किल मिल गया, डीबीएस खान को नहीं जीवस भाई को एक किल मिल गया। जीवस भाई के पास 21 किल है, डीबीएस खान के पास 14 किल है। डीबीएस खान अभी भी कोशिश करते हैं अपने के पास किल लेते हैं और अभी 15 किल मिल गया डीबीएस खान को, अभी भी 4 से किल चाहिए, 6 किल ज़बरदस्त खेलना पड़ेगा, ज़बरदस्त खेलना पड़ेगा, संभल के खेलना पड़ेगा डीबीएस खान ओपी को। अगर नहीं तो नहीं खेलोगे तो 10 सेकेंड है, 9 8 7 6 5 4 3 2 जीत गया हमारा जीवस प्रो, लेकिन बहुत ही गजब खेला हमारा दोनों टीम, बहुत ही ज़बरदस्त गजब खेला भाई, लाजवाब मस्त खेला, मस्त लगा भाई, बहुत ही गजब खेला, गजब। तो कैसा लगा भाई लोग, कैसा लगा? हेलो ब्रो, क्या ही बोलूं इसको, स्लाइड ऑफ करने बोलते हैं फिर भी स्लाइड ऑन रखता है भाई। टीपीपी बंद करना है, टीपीपी कौन ही लेने बोला तुमको, टीपीपी नहीं लेता तो स्लाइड ऑफ ही था। मैं भाई पूरा स्ट्रीम में दिखा तो मैं कहां पे एक जगह पे खड़ा हुआ था। एक जगह चल दिखा दिया तो क्या करेगा, आईडी देगा तेरी? अरे दिखा आईडी क्यों भाई? अरे भाई फ्री में आईडी दे दूं क्या इतना पागल बन रहा है? खतरनाक, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ भाई। चलो अभी दर्शक भाई आ गया, अरे स्क्वाड लेके आऊंगा, अरे स्क्वाड लेके आऊंगा। अरे ब्रो खाना इनको किक मारो 2v2 खेलते। लो अरे रुक जाओ, स्क्वाड भी सपोर्ट करने खेलेगा जीवस,
अरे मैं बुला रहा हूँ। हाँ रुक जाओ हम लोग दोनों रहेंगे और ज़ीउस तू जिसको ला रहा है लेके आ जा। अरे रुक ब्रो, डेविल ब्रो उसको बुलाता हूँ, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट। ओडिन किक मारो, एक को निकालो। अरे यानूर खेलेगा। हाँ हम लोग दोनों रहेंगे। ओडिन दाऊद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो इस डेविल स्नैक्स को। ये वही है भाई जो स्ट्रीम कर रहा था भाई। हाँ कस्टम का बिग फैन ब्रो, बिग फैन। निकालो ना इनको, निकालो ना ब्रो, इनको निकालो ना प्लीज। अरे बॉय ब्रो थोड़ा ले आन, जाओ ना ब्रो, ये मेरा दोस्त बुला रहा हूँ। भाई क्या वो मैच खत्म हो गया क्या? अरे रुको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो उसको। डन ब्रो, थोड़ा ठीक है ब्रो, ठीक। चलो अभी किसको बुलाना है? यानो हेलो हेलो। अरे 2v2 चला लगे DVS एक जन आते डॉन बॉय 2v2 एम फोर। हाँ ठीक है, स्लाइड ऑफ। हाँ स्लाइड ऑफ है, सुन लो स्लाइड ऑफ। डेविल ब्रो बोल दो इन लोग को, फिर हारने लगेगा, स्लाइड ऑन करेगा। और अगर मैं स्लाइड ऑन किया ना, नहीं पाएगा ये लोग, मैं बोल रहा हूँ। पूछ लो सबसे। हाँ भाई हाथ में। हाँ ऑफ रहेगा वो, अंदर नहीं। लेवल 3 नहीं उठाने ना, नेट करना है। हाँ लेवल 3 नहीं है, नेट नहीं है। M4 हाँ और ना ही TPP है। M4 खेलना है, M2 पर बोला था ना, M2 पर बोला था ना। M4 M2 पर क्यों भाई? M2 पर खेलते नहीं है, M2 पर का जो प्लेयर है ना उनको बुलाएंगे। हाँ ठीक है, M4 खेल लें, M4 खेल लें। ओके मैं रूम बनाता हूँ और यहाँ पर 2v2 हो जाएगा, देखेंगे भाई, बने रहिए यहाँ पर, जबरदस्त मैच होने वाला है। और फिर से रिक्वेस्ट दे दिया स्नैक्स भाई, रुक जाओ ये टी फर्स्ट इसको निकाल रहा हूँ, बंदे को ला रहा हूँ जो M4 खेलेगा, रुक जाओ 2 मिनट। तुमको मैं लीडर बना देता हूँ, नहीं दूसरा बंदा ला। अरे स्ट्रीम से आईडी पास ले लेना किक मार दी नहीं, वो निकल गया। डेविल ब्रो हम लोग को बुला लेना, जब रूम में जाओगे मैं निकल आऊंगा टीम से। ठीक है चलिए भाई लोग, तो अभी बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होने वाला है, तो देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास है, इन लोगों के पास है DVS खान, OP ब्रो है, तो यहाँ पर टपटप वर्सेस ज्यूस होगा। तो देखते हैं यहाँ पर टपटप वर्सेस ज्यूस के साथ कैसा फाइट होगा, देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी चैलेंज दे दिया इन लोगों के पास यहाँ पर। फिर से किसी और को बुला लूं, बोल। हाँ तो कतई जहर होने वाला है भाई, TDM बहुत कतई जहर होने वाला है भाई, लो कतई जहर होने वाला है भाई, क्या ही मजा आने वाला है अभी फिलहाल। तो देखते हैं यहाँ पर है कौन सा, DBS खान, OP है, ज्यूस भाई है, अनशोर टोके, देखते हैं किसको बुला लिया, और अनशोर यानूर है, और यहाँ पर इस भाई को इन्वाइट करना है। ठीक है ओके चलिए आ गया, तो हम लोगों का मैच होने वाला है अभी, बहुत ही गजब का मैच होने वाला है, तो चलिए रेडी मारता है, चलिए 1 2 3 लेट्स गो। OP फायर होने वाला है अभी फिलहाल, OP फायर होगा भाई लोग, तो जल्दी जल्दी लाइक का बटन भी। Team match, let's go.
Team victory! Hello? Hello, hello, hello? Hello? अरे अभी ठीक हुआ भाई, गेम में जाके ये ही तो ग्लिच हुआ था। साला ऐसा लफड़ा होने से कितना गुस्सा आता है भाई। अरे भाई मज़ा आता, चला हम कुछ बोल ही नहीं पाया। हेलो, अरे भाई मज़ा। हाँ ब्रो, मैं सोच रहा था कि 2v2 यानी तो 4v4 फैन फाइट करते हैं, क्या बोलते हो? मज़ा आएगा फैन फाइट देखने में, देखने को मज़ा आएगा ब्रो, क्या बोलते हो? कोई फैन फाइट करेगा? अगर आप लोग बोलोगे तो करूँगा, रूम बनाऊंगा। इलेवन थर्टी के बाद? अरे तब तक तो मैं रहूँगा नहीं, मैं एक्चुअली इलेवन थर्टी के बाद ठीक है, देखता हूँ। 11:30 अभी तो फिलहाल 10:38 हो गया, वेट करोगे? हम लोग का और एक कस्टम है 11 बजे, तो डेविल एलेक्स का कस्टम है, तो देखता हूँ अगर वहाँ पर स्ट्रीम करूँगा तो ज़रूर हो जाएगा। 11:30 तक रहूँगा, लेकिन मेरा अभी डिनर करना है तो देख लेता हूँ। उसके बाद अगर अभी फ़िलहाल अगर कोई खेलेगा, खेलना चाहेगा तो एक मैच मार लेता हूँ, तब तक के लिए तो वो टाइम भी हो जाएगा, 11 बज जाएगा। ओके ब्रो, ओके कोई दिक्कत नहीं, आइए आइए जल्दी जल्दी आइए, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो डेविल, लाइव थे क्या तुम? हेलो, हाँ ब्रो बोलो। शर्मा नहीं आ रहा था, लाइव था लेकिन मेरा माइक ग्लिच हो गया था। हाँ बोलो, कुछ बोल नहीं पाया मैं उस टाइम। हेलो 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 डेविल, हाँ ब्रो सुन रहे हैं क्या आप? नेक्स्ट डेविल नेक्स्ट, हेलो बना रहे क्या फिर रूम? हाँ बोल रहे, बना रहे क्या रूम?
अच्छा ठीक है टू बीट। अच्छा वो बंदा चला गया है, बंदा चला गया है, हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते, रुकेश ब्रिज खेलते हैं, अभी नहीं खेलेंगे। आप लोग खेल रहे हैं ना शुभम? ना ना आप लोग खेलो, हम देखते हैं। अरे पागल है क्या? नहीं टू वी टू है, टू वी टू है, दूसरा रूम में हम नहीं खेल पा रहे, बोल रहे हैं क्यों, क्या हो गया? अरे यहाँ लेट के खेलना पड़ता है, चल ना खेल लेते शुभम। ना ना खेलो ना, तुम तो छोड़ दो साला, इसका मत खेलना टेंपर। अरे जाओ यार, मुझ पर आप कर रहा है, खुद वहां खड़ा रहा था, टेंपर भी कर रहा है, धूप के मारेगा तुझे लड़ाई। एक और हो गया, दो और सुन ली भाई, बार बार एक ही बात बोल रहा है टेंपर। हां भाई ठीक है जाओ, मेरे बस का नहीं है। हेलो बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, हम उससे लड़ाई ना करें, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो भाई, चलने चुप था, तू वहां नहीं खड़ा रहता। एक बात बता, ठीक है तेरा बात है, फिर आता तो हम मानते हैं, 60 भी खेल रहा है, मैं स्टोन करके भी खेल रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, अगर खेलना है तो मैं रूम क्रिएट करूंगा, अगर नहीं खेलना है तो वो भी बोलो। पेन फाइट रखेंगे, अगर है तो पेन फाइट भी रखेंगे। दो भाई तो चला गया, क्या करे, वो इज़ेट ब्रो, बोलिए आप चैनल शायद स्ट्रीम में आ गया, आप यहाँ पर बोल दीजिए क्या करना है, अगर खेलेंगे तो बनाता हूँ। हेलो ब्रो, हेलो हेलो हेलो, आप आ गया, चलो बनाओ, वनवी वनवी खेलते किसे तो भी बना दो अगर बंदे तो। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है कोई बात ठीक, और मैं वो तुम्हारे चैनल से शेयर कर दिया हूँ, ठीक है, वो मैं पे वो बंदा भेजा कर दिया है भाई, वो बंदा मेरे को जो अभी था ना डीबीएस खान, तो उसने बोला शेयर कर दो, बोला भाई ठीक है कर दे, ठीक है चलो बाय। चलिए अभी हम दूसरे कस्टम में चलते हैं, 11 बजे का जो हम लोग कस्टम है वहाँ पर चलते हैं, तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त फाइट होने वाला है, तो मैं एक बार बंदे को मैसेज करना पड़ेगा इनवाइट करने के लिए, अभी उसको मैसेज करता हूँ, इनवाइट मी। चलिए वहाँ पर भी बूम बम मचेगा, ये बंदा मैसेज देखेगा कि नहीं, वो भी बात है। चलो चलो मितुबा, जिंदगी ला 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 ला, पिकाबी पिकाची पानी प्यास लग गया भाई लोग, बातें करते करते पानी प्यास लग गया, चलिए आ गया। थर्टीन बंदा ज्वाइन हुआ, नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है भाई, ये नेटवर्क का तो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा,
नहीं तो ये दिक्कत आएगा। जिंदगी चलो भाई 61 व्यू आ गया लेकिन लाइक आया 14 भाई। जल्दी जल्दी लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, साथ में जब भी आते हैं आप लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, अच्छा लगता है।
new text message. हेलो भाई लोग, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई लोग, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, ये वाला जो कस्टम है बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। बस मैं थोड़ा एक चीज़ देखने गया था तो उसमें थोड़ा दिमाग लग गया, तो मैं उसको देख लेता हूँ, बाद में देख लूँगा, पहले आप लोगों के साथ बात कर लेते हैं। तो भाई अभी कितना बंदा ज्वाइन हुआ, 73 बंदा ज्वाइन हुआ, तो 11:03 हो गया, तो स्टार्ट होने वाला है 11:05 को, शायद हम लोगों का ये कस्टम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो देखते हैं। अभी ये वाला मेरा वॉइस आ रहा है क्या भाई, अगर किसी वॉइस आ रहा है तो प्लीज़ लिख दो ना कि वॉइस आ रहा है बोल के। एक्चुअली मैं थोड़ा एक मैसेज कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा बिजी हो गया। तो अगर वॉइस आ रहा है तो यस ब्रो, मैं कहा कि यार अच्छा, वो तो पहले वाला मैसेज डाल दिया था, तो काइंडली अगर कोई बोल सकता है तो रुकिए मैं ही देख लेता हूँ, अगर कोई नहीं है तो मुझे देखना पड़ेगा मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। ओके ब्रो, LB ब्रो आ गया, हमारा LB ब्रो आ गया, तो देखते हैं 11:00 का तार था ब्रो। आईडी पास ब्रो, इस वाला कस्टम में आपको आईडी पास नहीं मिला, ये वाला कस्टम में आईडी पास नहीं मिला, आप उसको रिकी को एक बार मैसेज कर दीजिए, डीएम कर दीजिए अगर आप बुक किया तो। हाँ आ रहा है, ओके ब्रो, ओके ओके, दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये वाला रूम, ये वाला कस्टम आपने स्लॉट बुक किया कि नहीं ब्रो, अगर बुक किया तो रिकी को मैसेज डीएम कर दीजिए, वो उसने दे देगा ब्रो। ज्वाइन नहीं किया था, ओके ब्रो, ओके ओके, तब तो ये स्लॉट नहीं होगा ब्रो, क्योंकि यहाँ पर स्लॉट फुल हो गया, तो देखते हैं अगर कोई भी स्लॉट अगर खाली होगा तो एक बार एक काम कीजिएगा, रिकी को जो है, रिकी वहाँ पर जो हम लोगों का डीएम का मतलब आईडी पास देता है, उसको एक बार बोल दीजिएगा, वो दे देगा आप लोगों का आईडी पास। तो शायद 74 बंदा ज्वाइन हो गया और टाइम भी हो गया 11:04 हो गया, तो 11:05 को शायद स्टार्ट होगा ब्रो फ्री स्लॉट में। एक्चुअली आईडी पास अभी मैं नहीं दे पाऊँगा, वही दे पाएगा, तो एक बार उसको मैसेज करके एक बार देख लो, अगर वो दे पाएगा तो अच्छा होगा भाई, मुझे नहीं खेलना। ओके ब्रो, आप अभी तो फिलहाल कस्टम चल रहे, इस कस्टम में तो आप भी शायद तो रजिस्टर नहीं किया था, तो कोई भी नहीं, आप देखिए स्ट्रीम देखते रहिए, साथ में रहिए, हम लोग 11:30 को और एक बार आएंगे LV भाई के साथ, LV भाई के साथ दूसरा भाई भी आएगा, तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलेगा, तो अभी फ़िलहाल ये कस्टम देख लेते हैं कैसा मज़ा आता है।
तो आज शायद इरेंगल हो रहा है ये कस्टम इस रेंगल। तो 74-75 बंदा ज्वाइन हुआ आज। अच्छा आज ये भी मेरा हमारे ही हो रहा है। चलिए हाँ शुभम ब्रो बोलिए। मैंने किया है उस किसका नाम मिटा दो। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा ये हमेशा यही प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं हाँ हो गया रेडी। ठीक है मेरा कस्टम में तो बहुत ही उल्टा पुल्टा गड़बड़ हो गया था। मतलब पूरा पहले वाला जो फाइट हुआ था ना वो फाइट दिखा नहीं पाया, नेटवर्क का इतना इशू हुआ था, पूरा क्रैश हो गया था मेरा जो ये पे। उसके बाद फिर से स्टार्ट करके मतलब गेम पूरा क्रैश हो गया था। तो उसके बाद डिसक्वालीफाई कर दो मेरा नाम। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, कोई दिक्कत नहीं। आप बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए, बातचीत करते रहेंगे दोनों से, दोनों एक साथ बातचीत करेंगे। ठीक है तो चलिए स्टार्ट हो गया हम लोगों का ये वाला। तो प्लेन जा रहे हैं हम लोगों का यहाँ पर कैंपो मिलिट्री के ऊपर से तेरा ब्रॉन्ज के, यहाँ पर आजहर के ऊपर से लियो बंदित लियो लॉस लियोन की तरफ से जा रहे हैं। अरे भाई ज्वाइन नहीं कर पाया। अरे 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 आई डी पास मिल गया था क्या? आई डी पास दे दिया था आपको एलवी भाई? हाँ ज्वाइन कर सकते, 76 बंदा आया था तो खाली स्लॉट में आप आ सकते थे, आराम से आ सकते थे। और थोड़ा सा पहले आना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी तो डिले हो गया। एक्चुअली 11 बज का 4-5 मिनट में स्टार्ट होता है, आज तो 11:06 मिनट में स्टार्ट कर दिया। तो चलिए ये वाला फाइट देखते हैं यहाँ पर कौन कौन बंदा उतर गया। नहीं दिया था, ओके ब्रो, अच्छा 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 अच्छा। एक्चुअली यहाँ पर है ना, अगर आपका टीम नेम नहीं देंगे तो आईडी पास नहीं दिया जाता है। ये उल्टा पुल्टा आ जाते हैं ना बंदे लोग, हैक यूज़ करके लेके आता है, तो इसलिए टीम नेम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आईडी पास मिलता है। तो ये इसके लिए आपको शायद नहीं दिया। हेलो ब्रो, 4M बॉनफायर ब्रो, बातें कतई जहर ब्रो, 4M बॉनफायर ब्रो कतई जहर। आज तो बहुत ही ज़बरदस्त खेला था भाई, ज़बरदस्त खेला था शायद पर। और यहाँ पर शायद टीम नंबर 25 के साथ यहाँ पर टीम नंबर 8 भी आ गया था, रेडन गोइंग आ गया यहाँ पर टीम नंबर बीएस के साथ, टीम नंबर 25 बीएस के भाई लोग के साथ यहाँ पर आ गया टीम नंबर 8। टीम नंबर 8 और टीम नंबर 25 बी का 20 यहाँ पर फाइट होगा। तो देखते हैं यहाँ पर टीम बीएस क्या कर सकते हैं टीम 8 के साथ। शायद टीम नंबर 8 पीछे की तरफ से उतर गया, सामने की तरफ टीम नंबर 25 आ गया। तो देखो दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ कहीं पर फाइट होगा कि नहीं। यहाँ पर MTR के साथ दूसरा स्क्वाड आ गया, MTR वर्सेस ZR। यहाँ पर तो बहुत ही बंदा आ गया, तीन स्क्वाड आ गया। यहाँ पर टीम नंबर 12 आ गया, टीम नंबर 13 आ गया, टीम नंबर 24 आ गया। तो एग्जिएट MXR रैप्टर YT, ओके रैप्टर भाई यहाँ पर आ गया। तो टीम नंबर 13, टीम नंबर 12 और टीम नंबर 24 के साथ यहाँ पर भी फाइट होगा शायद। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन ले सकते हैं। यहाँ पर MTR अमन भाई के पास है मिनी है, मिनी से शायद यहाँ पर फाइट लेना नहीं चाहेगा, तो थोड़ा सा गन वन यहाँ पर लूटने के लिए चाहेगा MTR ने। और यहाँ पर स्पैक रिकी के पास है, रिकी के पास टीम नंबर 12, सामने की तरफ है RT एल्बर्ट मोदी सर जी भी आ गया इधर। ओ भाई कतई जहर ब्रो। टीम नंबर 12 का भी चार बंदा यहाँ पर है, दो बंदा लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ दो बंदा। और यहाँ पर TSOP ने यहाँ पर दिया था मोब गैंग को, यहाँ पर ना करते हुए मिनी से मोब करते हुए ना करते हुए और यहाँ पर भी खत्म कर दिया मोब गैंग को, यहाँ पर खत्म कर दिया भाई, मिनी से खत्म कर दिया। और यहाँ पर टीम नंबर 24 और टीम नंबर 12 के बीच जबरदस्त फाइट होगा यहाँ पर सामने की तरफ है। यहाँ पर स्कारलेट है, एग्जिट वेनम ओपी के ओपी ब्रो के पास है, यहाँ पर उजी और स्कारल पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे की तरफ यहाँ पर जो टीम नंबर 12 है, टीम नंबर 12 के पास क्या है, क्या लूट मिला इन लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर FTS अगर ने यहाँ पर खत्म कर दिया शायद, यहाँ पर एरो गैंग ने यहाँ पर TSOP इसमें को नॉक कर दिया, एरो गैंग भी यहाँ पर TSOP से को क्या क्या नाम रखता है भाई, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता है भाई, नाम थोड़ा ध्यान से ढंग का रखो ताकि अच्छे से बोल पाता है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर टीम नंबर 12 के पास है टीम नंबर 24 MXR रैप्टर ओपी ने यहाँ पर शायद क्लोज इन कर लिया टीम नंबर 12 के पास। टीम नंबर 12 का दो बंदा यहाँ पर है, रो दो बंदा थोड़ा लाइट राइट में है। तो यहाँ पर टीम नंबर 13 भी पास में नहीं, टीम नंबर 13 थोड़ा दूर में है। और PFS ने यहाँ पर एक बंदा को पिस्तौल से नक कर दिया। तो टीम नंबर एग्जिट टीम 24 का एग्जिट भैया ना ओपी थोड़ा फॉल बैक करते हैं अपना टीम मेट की तरफ आते हुए। तो देखते हैं यहाँ पर टीम नंबर 12 भी क्या कर सकते हैं, टीम नंबर 12 यहाँ पर 24 को यहाँ पर नक कर सकते हैं, लेकिन इस पर रेकी भी यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा फॉल बैक कर लिया। मैक्स रैप्टर ओपी भी यहाँ पर नक कर दिया। तो यहाँ पर भी आए रख सकते, यहाँ पर एक बंदा को EMP से यहाँ पर नक कर दिया। देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर कहीं पर फाइट हो रहा है, हिटमैन भी यहाँ पर रेक्स बैन को यहाँ पर नक कर दिया। कहाँ पर फाइट हो रहा है भाई यहाँ पर, ओके टीम आरएक्स है ब्रो रोम। यहाँ पर टीम नंबर 19 का एक बंदा को नक कर दिया, एक बंदा शायद दो बंदा को खत्म कर दिया। टीम नंबर कौन सा था, टीम नंबर यहाँ पर 6
सिक्स के बीच ज़बरदस्त फाइट होते हैं। सिक्स को देखते हैं यहाँ पर, ओके सिक्स का हाँ यहाँ पर सिक्स को देखते हैं। सिक्स ने यहाँ पर ऑलरेडी कितना किल मिल गया, सिक्स के पास अभी भी तीन किल मिल गया, तो देखते हैं यहाँ पर सिक्स के पास है टीम नंबर 23 भी इसके पास और उसके सामने भी है टीम थ्री नहीं आसपास तो हाँ टीम सिक्स भी है, टीम नंबर थ्री है, बीएस एलेक्स ओपी यहाँ पर बीएस के पास है और बीएस के साथ जबरदस्त फाइट हुआ है टीम नंबर 8 के बीच। यहाँ पर टीम बीएस क्रैशर ओपी को यहाँ पर नॉक कर दिया टीम नंबर 8 के यहाँ पर जबरदस्त खेल दिया द फोर स्कैरी। यहाँ पर टीम बीएस क्रैशर ओपी के पास धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, शायद यहाँ पर यहाँ से टीपी भी लेते हैं वॉल के पीछे से, थोड़ा टीपी भी लेते हैं, देखते हैं बीएस बुलशर्क यहाँ पर पीछे है बीएस क्रैशर ओपी के पीछे। और यहाँ पर मोली से यहाँ पर भी एक बंदा रेडियंट गैंग को यहाँ पर नॉक कर देता है और यहाँ पर बीएस यहाँ पर सीरीज एकेएम से कवर देते हैं बीएस एलेक्स ओपी के बस यहाँ पर अपना द फॉर ही नहीं यहाँ पर रेडियंट गैंग को यहाँ पर नॉक करते हैं बीएस एलेक्स ओपी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं टीम नंबर एट के तरफ पुश कर देते हैं बीएस एलेक्स ओपी ने, देखते हैं यहाँ पर बीएस एलेक्स ओपी क्या कर सकते हैं राइट की तरफ द स्कारी द फोर स्कारी नहीं यहाँ पर टीपी भी लेते हैं लेकिन द स्कारी फोर क्या नाम रखा है भाई और यहाँ पर शायद टीपी भी लेते लेकिन अपना टीममेट को यहाँ पर रिवाइव मिल गया तो थोड़ा सा राहत सांस मिल गया यहाँ पर टीम नंबर एट भी यहाँ पर जबरदस्त फायर होते हैं बीएस के बुलशर को यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज देते हुए द फ्यूरी ने यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर आते हुए द फ्यूरी ने यहाँ पर भी बीएस एलेक्स के नीचे बीएस एलेक्स भी अभी भी वेट करते हुए देते भी लेते हुए यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 8 यहाँ पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर रेड एंड गैंग ने यहाँ पर बीएस एलेक्स के ओपी के पास यहाँ पर क्लोजिंग कर लिया बीएस एलेक्स यहाँ पर थॉमसन से यहाँ पर जबरदस्त फायर देते गए डैमेज देते और बीएस एलेक्स ओपी भी यहाँ पर नॉक हो जाते हैं रीलोड में पर गया बीएस एलेक्स ओपी बीएस एलेक्स का भी यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त हेल्थ बहुत ही लगा देने लेकिन यहाँ पर बीएस एलेक्स भी जबरदस्त खेले यहाँ पर टीम नंबर 8 के बंदे को खत्म कर दिया और उस तरफ से बीएस गुलशर को भी खत्म कर दिया बीएस एलेक्स को भी यहाँ पर नॉक कर दिया टीम नंबर 8 ने और टीम नंबर 8 25 का और कितना बंदा और कहाँ गया, अच्छा कहाँ चला गया टीम नंबर 25 का 25 का बंदा किधर चला गया टीम नंबर 25 का बीएस इलेक्ट्रा कहाँ कर रहे। ओ भाई ये तो ऑफलाइन है भाई ये तो बहुत ही गलत सीन हुआ। 4 AKM के पीस फाइट होते हैं, 4 AKM किधर है भाई, 4 AKM को देखना है हमको। 4 AKM बहुत ही ज़बरदस्त फाइट ले रहा है। 4 AKM का स्लॉट कितना था, शायद 2। यस यहाँ पर टीम नंबर 4 और टीम नंबर 3-5 के भी जबरदस्त मैडेस के भी जबरदस्त फाइट होते हैं। टीम नंबर 4 का एक बंदा को नॉक कर दिया टीम नंबर 5 ने। टीम नंबर 5 भी धीरे धीरे आगे होते हैं टीम नंबर 4 की तरफ आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैडेक्स टाइटन ने यहाँ पर आ गया, मैडेक्स रोनी भी आगे आ गया, यहाँ पर मैडेक्स रेजर ने मैडेक्स रेजर राइट की तरफ से यहाँ पर टीपी भी ले गया, शायद ये भी गाड़ी लेके पुश करना चाहेगा अपना टीममेट को यहाँ पर गाड़ी में उठने के लिए उठाने के लिए कोशिश है लेकिन टीम नंबर 4 को क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। टीम नंबर 4 का तीन ही बंदा है तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर अपना हेल्थ लगा के यहाँ से थोड़ा सा कवर लेना पड़ेगा टीम नंबर 3 को। टीम नंबर 3 का भी तीन ही बंदा है उसमें से और एक बंदा को बहुत ही हेल्थ लो है और यहाँ पर कार 90 से यहाँ पर टीपी भी लेते हैं। आरटीसी थ्रो ने यहाँ पर एमटीआर अमन को यहाँ पर नेट से नॉक करते हुए शायद यहाँ पर कार 90 पट्टे से हेडशॉट दे सकते हैं मैडेक्स रेजर को लेकिन सामने है सामने की तरफ है मैडेक्स रोनी और मैडेक्स टाइटन यहाँ पर टीपी भी लेते हैं धीरे धीरे टीपी भी लेके आगे बढ़ते हुए टीम नंबर 4 की तरफ। ओवर यहाँ पर हाथ में नेट लेके लेकिन यहाँ पर ओपन में है भाई यहाँ पर मत जाओ लेकिन पीछे से सर अब यहाँ पर पुश कर दिया मैडेक्स लॉगन यहाँ पर पीछे से यहाँ पर टीम नंबर 4 की तरफ यहाँ पर क्लोज इन कर लिया। देखते यहाँ पर टीम नंबर 4 क्या कर सकते हैं क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर खेल रहा है पीछे की तरफ मैडेक्स लॉगन है और सामने की तरफ है टीम नंबर 5 का तीन बंदा सामने की तरफ से चार बंदा एक बंदा यहाँ पर आ गया और ऑलरेडी यहाँ पर पीछे की तरफ से कवर और यहाँ पर टीम नंबर 4 को और एक बंदा को अपना गवा दिया तो अभी फिलहाल बचा है 2 बंदा तो 2 बंदा मिलकर 4 बंदे को साथ यहाँ पर फायर नहीं ले सकते तो फिर भी देखते अगर कभी कभी एक बंदा भी 4 के ऊपर भारी पड़ जाता है तो देखते यहाँ पर टीम 4 यहाँ पर भारी पड़ता है कि नहीं मैडेक्स के ऊपर मैडेक्स का और एक बंदा यहाँ पर राइट की तरफ मैडेक्स लॉगन को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि उतना दूर से कवर नहीं दे पाएगा और मैडेक्स रोनी यहाँ पर पास में आ गया टीम नंबर 4 के पास आ गया और यहाँ पर मैडेक्स क्या कर सकते हैं यहाँ पर अंदर जाना पड़ेगा 420 ओपी यहाँ पर शायद टीपी भी लेते हुए कौन मैसेज कर रहे हैं। ओके ब्रो एलबी ब्रो आप लोग हैं तो प्लीज़ ना 11:30 को आ जाएगा टपाटप वर्सेस एलबी ब्रो के साथ हो जाएगा फाइट तो देखते हैं यहाँ पर टीम नंबर 5 यहाँ पर मैडेक्स यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे रश करते हुए 420 ओपी के पास यहाँ पर मीराज भाई यहाँ पर थोड़ा टीपी भी लेते हैं लेकिन नीचे की तरफ मैडेक्स टाइटन यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा टीम नंबर 4 क्या कर सकते हैं। 4 बंदा 2v4 हो रहा है 2v4 यहाँ पर जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगा लेकिन 420 प्रो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा मैडेक्स रेजर यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं टीम नंबर 4 की तरफ लेकिन यहाँ पर भी मैडेक्स रेजर शायद यहाँ पर यहाँ से टीपी
टीपी भाई यहां से टीपी भी लेके कोई फायदा नहीं आपको इस समय मैटर स्टेन और नहीं के बीच यहां पर जबरदस्त फाइट होते रहे पर ये तो बहुत फाइट होते रहे पर तो हम तो नहीं पता पता लेकिन आज भी और एक बंदे का तो शायद यहां पर टीम नंबर 4 अलविदा कहेगा कि ऑलरेडी पीछे से भी बहुत ही जबरदस्त फाइट कवर फाइट दिया था मैडक्स रेजर ने और मैडक्स रोनी ने। तो दूसरी तरफ देखते हैं दूसरी तरफ कोई भी फाइट हो रहा नहीं कि दूसरी तरफ शायद जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्जिम के साथ जबरदस्त फाइट होते हुए एक्जिम के एक्जिम वर्सेस कौन सा टीम टीम नंबर 3 टीम नंबर 23 एक्जिम एक्जिम वर्सेस टीम नंबर 6 टीम नंबर 6 करते हैं यहाँ पर एक्जिम एक्जिम वो भाई क्या नाम था इसका एक्जिमी भी यहाँ पर नॉक हो सकते हैं उसका भी हालत बहुत ही बुरा तरह से खराब कर दिया और यहाँ पर टीम नंबर 6 भी थोड़ा सा ये दो बंदा शायद अपने टीम के पास आते हो और अपना हेल्थ थोड़ा बढ़ाते हुए और यहाँ पर 40 का दो बंदा यहाँ पर तीन बंदा है तो देख कह सकते टीम नंबर 6 के ऊपर यहाँ पर 4x एम फॉर विद 4x से टीपी भी लेते हो टीम नंबर 4 टीम नंबर 6 के ऊपर लेकिन 40 से इतना दूर से तो कुछ नहीं कर सकता नॉक की कर सकता है लेकिन फिनिश तो नहीं होगा और LMX डिफेक्स ने यहाँ पर आरजी लूसी को यहाँ पर खत्म कर दिया आरजी थंडर को खत्म कर दिया आरजी थंडर भी खत्म हो गया आरजी लूसी भी खत्म हो गया शायद और LMX ने आरजी टीम को यहाँ पर खत्म कर दिया। तो सामने की तरफ है टीम नंबर 23 ने यहाँ पर एक टीम नंबर 6 के एक बंदा को नॉक कर दिया टीम और उसका भी दुई को यहाँ पर खत्म कर दे टीम नंबर 6 और यहाँ पर टीम नंबर 23 को यहाँ पर खत्म कर दे टीम नंबर 6 ने। तो ओपी इंडिया से टीम नंबर 6 क्या नाम है इसका इसके स्क्वाड का नाम और अपना तीन बंदा नॉक हुआ था लेकिन दो भाई बच्चा कहता ही जहर यहाँ पर बचा लिया अपना टीममेट को। तो दूसरी तरफ देखते हैं दूसरी तरफ और कोई भी फाइट हो रहा नहीं यहाँ पर अलकेदा के साथ जबरदस्त फाइट हुआ तीन नंबर इलेवन के साथ वीर विजर अभी और ईयर ब्रादर के साथ ईयर विजर ओभी को यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज होते हुए विजर ओभी यहाँ पर शायद अपना हेल्थ थोड़ा बढ़ाते हुए सामने की तरफ है टीम नंबर 11 का दो बंदा सामने की तरफ और टीम नंबर 23 का भी दो बंदा आ गया यहाँ पर अलकेदा टिप्स ने यहाँ पर अलकेदा किंग को यहाँ पर कवर फाइट देते क्योंकि अलकेदा किंग को यहाँ पर ऑलरेडी नॉक कर दिया टीम नंबर 11 ने यहाँ पर एक बंदा को टीम नंबर विजर अभी यहाँ पर अपने टीम को यहाँ पर कवर फाइट देते अलकेदा रीपर को यहाँ पर खत्म शायद ये फिनिश हो जाएगा। तो शायद यहाँ पर टीम नंबर 22 का एक बंदा को खत्म कर दिया अभी टीम नंबर 22 का दो बंदा है और यहाँ पर टीम नंबर 11 यहाँ पर क्लोज इन कर लिया लेकिन यहाँ से जबरदस्त यहाँ पर एक बंदा को नॉक कर दिया टीम नंबर 11 को एक बंदा को नॉक कर दिया शायद वो भी रिवाइव हो जाएगा नहीं वो भी खत्म हो गया। टीम नंबर 23 को देखते हैं टीम नंबर 22 को देखते हैं टीम नंबर 22 के पास दो बंदा टीम नंबर 11 के पास दो बंदा तो दो 2v2 हो रहा है यहाँ पर जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगा 2v2 राइट की तरफ है टीम 22 का दो बंदा अलकायदा टिप्स अलकायदा नैमैक्स तो दोनों मिलकर एक साथ पुश करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर टीम 22 की भी क्या कर सकते हैं टीम नंबर 22 के पास भी थोड़ा सा मतलब डिसएडवांटेज है क्योंकि उन लोग थोड़ा ओपन में है अगर दूसरा स्क्वाड आ जाएगा तो यहाँ पर टीम नंबर 22 का थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। ओ भाई क्या करे क्या होगा यह फाइट तो देखेंगे नहीं यहाँ पर दूसरी फाइट हो रहा है तो यहाँ पर शायद RTR यहाँ पर ख़त्म कर दिया अपना एक स्क्वाड को ख़त्म कर दिया लेकिन जोन भी बहुत दूर है और जोन के बाहर भी और हेलो टच कौन सा स्क्वाड का है हेलो टच 40 CM यहाँ पर फाइट हो रहा है। ओ भाई अभी भी इतना जोन के बाहर टीम नंबर 6 टीम नंबर 3 के भी जबरदस्त फाइट हुआ थी नंबर 6 का दो बंदा नॉक कर दिया टीम नंबर कौन सा टीम नंबर 3 ने 40 का बंदा दो बंदा ने जो दो बंदे को नॉक कर दिया तो धीरे धीरे आगे बढ़ते 40 से डीप गॉड ओपी ने यहाँ पर नॉक कर दिया टीम नंबर 6 और एक बंदे को नॉक कर दिया और एक बंदा यहाँ पे अकेला बंदा जिंदा टीम नंबर 6 का टीम नंबर 3 का एफ एस टॉक्सिस ने अभी अकेला बंदा जिंदा अभी टीपी भी लेते हुए और एक बंदा को अभी नॉक पड़ा हुआ है शायद उसका रिवाइव नहीं दे पाएगा क्योंकि ऑलरेडी दो बंदा यहाँ पर पुश कर दे टीम नंबर 3 ने 6 बंदे को 6 टीम नंबर 6 के ऊपर पुश कर दे शायद यहाँ पर स्मोक करके अगर अपना टीममेट को रिवाइव दे पाएगा तभी थोड़ा सा हैंडल कर पाएगा अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से 40 एम गॉड भी यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते टीम नंबर 6 की तरफ से वहाँ पर दो बंदा और यहाँ पर खत्म कर सकते हैं 40 एम गॉड ने यहाँ पर शायद पट्टे से हेडशॉट मार सकता है लेकिन नहीं वो तरह कवर में चला गया। तो टीम नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 3 भी यहाँ पर जरूर सारे टीम नंबर 3 को एक बंदा को नॉक कर दे टीम नंबर 6 और एक बंदा टीम नंबर 3 ने यहाँ पर 40 गौड़ेआम ओपी ने यहाँ पर आकर टीम नंबर 6 को खत्म कर दिया। तो बहुत ही जबरदस्त खेला टीम नंबर 3 ने टीम नंबर 3 भी अभी सर्वाइव कर लिया लेकिन यहाँ पर जोन में जाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि राइट में सामने की तरफ बहुत सारा स्क्वाड है और यहाँ पर डेविल टीम को देखते हैं डेविल टीम का कितना बंदा है यहाँ पर डेविल शाइन है डेविल वाइटी है डेविल वन शॉट जे फॉरिन है यहाँ पर डेविल लोजी भी है। तो देखते हैं यहाँ पर डेविल टीम क्या करता है डेविल टीम यहाँ पर
तो देखेंगे यहाँ पर, दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त फायर होता है कि नहीं। यहाँ पर पैनिक चोट यहाँ पर देखते हैं तो क्या कर सकता है। नहीं, इन लोगों के पास भी थोड़ा दूर में है, यहाँ पर फायर हो रहा है तो यहाँ पर भी फायर देखने को मांगता है। तो आपको कोई भी फाइट हो रहा है कि क्लोज फाइट चाहिए। मोदाही ओपी, ओ भाई नाम क्या रखे, मोदाही ओपी को यहाँ पर कनेक्ट कर सकता था, लेकिन बहुत ही जबरदस्त डैमेज दिया था। लेकिन राइट क्लोज इन करके यहाँ पर मौदा ही ओपी को यहाँ पर खत्म करते करते रिवाइव करते हुए, और लेकिन अपना टीममेट का यहाँ पर टीम नंबर 5 ने एक बंदे को नॉक कर दिया, फिनिश कर दिया, नॉक फ्लैश फिनिश कर दिया। राइट की तरफ है टीम नंबर 23-21 आ गई। यहाँ पर टीम नंबर 21 भी यहाँ पर मैक्स टाइटन को यहाँ पर नॉक कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त फायर देते हैं। यहाँ पर टीम नंबर 5 को एक बंदे को नॉक कर दिया, और एक बंदे को नॉक कर सकते हैं क्योंकि चारों बंदा यहाँ पर को भी यहाँ पर नॉक कर सकते हैं। मिनी हुई थे एम्पोर से, और मैडस का भी दो बंदा को नॉक कर दिया, और एक ही बंदा जिंदा शायद ये भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त थर्ड पार्टी कर ले यहाँ पर टीम नंबर 21 ने। तो टीम नंबर 21 भी यहाँ पर शायद क्लोजिंग करना चाहेगा, लेकिन लेग की तरफ से पीएनएस टीम नंबर 16 यहाँ पर क्लोजिंग कर ले टीम नंबर 5 को। मैडस करोनी का अभी से अभी थोड़ा बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। मैडस रोनी अभी अकेला बंदा जिंदा है, क्योंकि अभी अकेला बंदा जिंदा है। तो पेनिक्स फोनिक्स को भी नहीं, यहाँ पर टीम मैडक्स रोनी के ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट की तरफ से यहाँ पर बंदा आ गया, पेनिक्स जोड़ ने भी यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से पुश कर दिया टीम मैडक्स रोनी के ऊपर। एक बंदे को खत्म कर दिया, नॉक कर दिया था, लेकिन पीछे की तरफ से यहाँ पर पीएनएक्स जॉर्ड ने यहाँ पर भी अपना टीममेट को बचा लिया, बाल बाल बचा लिया। लेकिन राइट की तरफ से यहाँ पर टीम नंबर 21 बहुत ही जबरदस्त कवर फायर देते हुए टीम 2016 के ऊपर। हेलो क्या हो रहा है भाई, टीम नंबर 21 भी आ गया। यहाँ पर टीम नंबर 21 आ गया टीम नंबर 16 के बीच। टीम नंबर 16 को आया गया ओपी में से, यहाँ पर एक बार खत्म हुई फिनिश कर दिया, और टीम नंबर 21 के बीच जबरदस्त फाइट होते हैं। टीम नंबर 16 को यहाँ पर टीम नंबर 21 ने खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं टीम 11 न कि टीम 14 के बीच जबरदस्त फाइट होगा शायद यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अपना लूट मचाने के लिए लूट मचाते हुए टीम 21 तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखते हैं अभी कौन कौन कितना टीम है। 9 किल है बंदा है 26 मतलब हर टीम का। और यहाँ पर टीम डेविल के साथ यहाँ पर जबरदस्त फाइट होते हैं टीम 7 के बीच और टीम नंबर डेविल के बीच। टीम डेविल और टीम 7 ईरोर गैंग यहाँ पर डैमेज हुआ था। ईरोर गैंग को एक बंदे को खत्म कर दिया टीम डेविल ने। डेविल के बीच जबरदस्त फाइट होते हैं टीम बोंगोंग ने यहाँ पर भी शायद ये थोड़ा सा पीछे चल गया। फिर रोबिल रोज ही देखते हैं यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, नहीं मौली फेंक दिया लेकिन वहाँ से नहीं था, वहाँ पर बंदा नहीं है। तो देखते हैं सामने की तरफ है टीम 7 का 3 बंदा रहे, पीछे की तरफ है टीम नंबर 7 का 2 बंदा रोज साथ। यहाँ पर रोजी के ऊपर 2 बंदा ने पुश कर दिया, लेकिन डेविल शाइन भी यहाँ पर रोजी को कवर देने के लिए पास में आ गया। और पीछे की तरफ से भी डेविल वाइट भी आ रहा है, डेविल वाइट भी लेफ्ट की तरफ से आ गया, लेकिन डेविल वाइट के बीच यहाँ पर आ गया। लेकिन वन शॉट जे फोर ने यहाँ पर बोम गैंग को यहाँ पर बोब गैंग को यहाँ पर नॉक कर दिया। बोब गैंग को यहाँ पर शायद यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, अभी थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा टीम नंबर सेवन और टीम नंबर 1 के बीच जबरदस्त फाइट होती है। टीम नंबर 7 को यहाँ पर 2v4 हो रहा है, 2v4 यहाँ पर अगर जुट जाएगा टीम नंबर 7 बहुत ही ज्यादा कातिल वाला फाइट देखने को बहुत ही जबरदस्त लगेगा, मजा आ जाएगा ब्रो भाई। यहाँ पर टीम नंबर 2v4 हो रहा है टीवी वो यहाँ पर वो मैं जो गैंग के सामने के वो टी है डेविल टाइम सॉरी लेफ्ट की तरफ है डेविल रोज यहाँ डेविल टाइम भी है सामने की तरफ वहाँ पर किया गया वन शॉट यहाँ पर वन शॉट को नॉक कर दे डेविल डेविल को और यहाँ पर टीम नंबर 7 को खत्म कर देगा और डेविल वाई टी और शायद हाँ और यहाँ पर वन शॉट जे फोन यहाँ पर बच गया डेविल टीम को। कत्ता ही जाहिर बहुत ही ज़बरदस्त टीम 7 को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ फाइट हो रहा है, दूसरी तरफ फाइट कहाँ पर हो रहा है टीम 14 के भी ज़बरदस्त फाइट होता है, जहाँ टीम नंबर 14 और टीम नंबर 12 के भी ज़बरदस्त फाइट हुआ। टीम नंबर 12 का 2 बंदा अभी भी एक बंदा खत्म नॉक पर हुआ और एक बंदा अपना टीम मेट को बचाने के लिए भागी लेके जा रहा है। लेकिन उस तरफ है टीम नंबर 14 के पास अभी फिलहाल एक किल है, तो देखेंगे अभी ये 2 किल प्लस कर पाता है कि नहीं, वो देखने को चाहिए कि ऑलरेडी यहाँ पर टीम नंबर 12 का एक बंदा ऑलरेडी नॉक है। तो मेरे ख्याल से तभी टीम नंबर 14 को पुश कर देना चाहिए टीम नंबर 12 के ऊपर, और ऑलरेडी यहाँ पर पुश कर दिया शायद था यहाँ पर पुश कर दिया इट स्नैक आई ने टीम नंबर 12 को ऊपर पुश कर दिया भाई। उस तरफ क्यों जा रहे, राइट की तरफ है बंदा और यहाँ पर फाइटर शैन ने यहाँ पर टीम नंबर 12 के ऊपर टीम नंबर 12 में यहाँ पर कवर फाइट देते हैं, लेकिन टीम नंबर 12 भी यहाँ पर शायद थोड़ा होल्ड करना चाहते हैं।
करेंगे एक बंदे को नकल दिया पीछे की तरफ से, यहाँ पर स्नैप है यहाँ पर थोड़ा सा कवर पा देते हैं ई जेड आर फ्रेंसी को, जेड आर फ्रेंसी शायद यहाँ पर नॉक हो सकता है। और यहाँ पर से टीम टीम नंबर 12 टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा और टाटा बाय बाय कर दिया, लेकिन इन लोगों के पास टीम नंबर 20 भी आ गया पास में, टीम नंबर 20 थोड़ा यहाँ से कवर पा दे सकते हैं। एल एम डिफ्लेक्स ने यहाँ पर थोड़ा सा एक बंदे को नॉक कर सकता है, लेकिन टीम नंबर 14 को एक बंदे को नॉक कर दिया था, तो बदकिस्मती से यहाँ पर टीम नंबर 12 को भी खत्म कर दिया। भाई किसी ने मैसेज दे रहा था तो इतना मैसेज मत भी करो, ठीक है वन शॉट वाले हो ये बताओ। ओके भाई नेम सेव कर लो, ओके ब्रो कर लूँगा सब लोग सब कर लूँगा, देखता हूँ पहले स्ट्रीम ख़त्म करके उसके बाद सबका रिप्लाई दूंगा, मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा भाई। तो अभी फिलहाल 7 टीम है, 20 बंदा जिंदा है अभी भी, तो जोन भी बहुत दूर है, तो देखेंगे अभी कितना क्या हो सकता है। डेविल टीम थोड़ा धीरे धीरे जोन की तरफ पुश करते हैं, लेकिन डेविल टीम के राय लेफ्ट में है टीम नंबर 19, तो सामने जोन की तरफ है टीम नंबर 21। अभी भी फिलहाल वहाँ पर पूरा झंडा गाड़ लिया, जोन के अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर द फोर फ्यूरी ओके टीम नंबर 14 के सामने है टीम नंबर कौन सा एनिट का, ओके टीम नंबर डेविल टीम डेविल भी शायद जोन की तरफ पुश करे, सब लोग अभी जोन की तरफ पुश करेगा, लेकिन टीम नंबर 14 भी है ऐसे कैसे फाइटर शेन भाई इतना दूर से ऐसे फाइट, राइट की तरफ देखो, राइट की तरफ बंदा है तुम्हारा, मतलब वो बोलते क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलता है भाई ना, भुलक्कर हो गया भाई क्या बोलूं। क्या बोलो अरे सोलो तो चलेगा। तो टीम नंबर 20 शायद यहाँ पर, हाँ 20 का यही रोहन है यहाँ पर, एनिट अमित भी है, रोहन ने एक बंदे को नॉक कर दिया यहाँ पर, टीम नंबर 20 को नॉक कर दिया और एक बंदे को नॉक कर सकते हैं यहाँ पर। M4V6SF जबरदस्त फायर देते टॉक्सिक स्प्राइडर ने यहाँ पर, और एक बंदे को नॉक कर दिया और अभी तीन बंदा नॉक पड़ा हुआ है भाई, ओपी ब्रो ओपी, और यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, तुम भी हमार सकते हो यहाँ पर M4 और M4V6 से बहुत ही जबरदस्त स्प्रे देते हैं, और टीम नंबर 14 का तीन बंदे का नॉक कर दिया भाई। और यहाँ पर था टीम नंबर, मैंने बोलते यहाँ पर खत्म करने वाला है टॉक्सिक स्प्रेकर भी, डैमेज बहुत ही ज़बरदस्त डैमेज दे दिया, तो यहाँ पर अपना हेल्थ लगा के अपना टीममेट को बचाने की कोशिश रहेगा, लेकिन जोन भी आ गया तो मेरे ख्याल से तो अभी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा टीम नंबर 14। टीम नंबर 14 का एक बंदा ऑलरेडी खत्म हो गया, और एक बंदा भी खत्म हो गया, और एक बंदा भी खत्म होने वाला है, तो पहले अपना टीममेट को बचाने से छोड़ो, अभी अपना खुद को बचाओ, खुद को बचा के जोन के अंदर जाओ। रोहन भी शायद यहाँ से डैमेज हो सकता है, लेकिन उसके पास हेल्थ देने का टाइम बहुत है, तो 40 CAM यहाँ पर फोर फ्यूरी को यहाँ पर बहुत ही पट्टे से हेडशॉट देके यहाँ से नॉक कर दिया था रोहन ने यहाँ पर। हाँ वो बंदा तो अभी यहाँ पर टॉक्सिक स्ट्राइकर के पास बहुत ही मुश्किल बढ़ते हुए सामने, क्योंकि रोहन यहाँ पर भी अभी भी होल्ड करते हैं, क्योंकि उसको पूरा ही किल चाहिए, ऑलरेडी 4 किल मिल गया, अभी भी और एक किल के लिए यहाँ पर बैठा है जोन में। मेरे ख्याल से तो रोहन को जोन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जोन के अंदर जितना भी लेट करोगे उतना ही तुम्हारे लिए मुश्किल में पड़ जाएगा, अगर तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं हुआ तो तुमको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर टीम नंबर 14 को शायद यहाँ पर ख़त्म करके आएगा रोहन, वो तो ठान लिया। और यहाँ पर डेविल रोजी को भी डैमेज देते हुए प्ले जोन से मर गया टॉक्सिक फ्रेगर, तो बदकिस्मती से यहाँ पर किल नहीं मिला टीम और रोहन को किल नहीं मिला, तो लैब के पीछे की तरफ से टीम नंबर 21 डेविल रोजी को यहाँ पर फायर देते हुए डैमेज देते हुए। टीम डेविल के पास कितना किल हो गया, 3 किल है, 40 CAM गॉड के पास 1 किल है, द फोर स्कारी के पास 4 किल है, और टीम 21 के पास है 4 किल। तो अभी 6 टीम से टीम है 16 बंदा जिंदा है, और यहाँ पर डेविल रोजी मिनी से टपाटप देते हुए टीम 20 रनर्स 3 इसको भी डैमेज दे दिया। क्या होगा डेविल टीम को अभी इस बार ये मैच जीतेगा या कौन जीतेगा बोलो।
यहाँ पर टीम 21 टीम 1 के बीच जबरदस्त फाइट होगा भाई लोग। देखो ये जो फाइट होगा बहुत ही कतई जहर वाला फाइट होगा। तो डेविल देखते हैं, डेविल वाइटी को देखते हैं। यहाँ पर वन शॉट जेफर, इनको दो किल मिल गया, डेविल रोजी को एक किल मिल गया। अभी डेविल वाइटी अभी भी जीरो किल है। और यहाँ पर अपना गांड यहाँ पर मिट्टी पे जल मतलब यहाँ पर हर और यहाँ पर वो थे सिक्स से यहाँ पर शायद फायर देने के लिए कोशिश कर रहा था, स्प्रे देने के लिए कोशिश किया था टीम नंबर 21 को। लेकिन टीम नंबर 21 का एक बंदा का हालत बहुत ही नाजुक है, 10 एचपी भी नहीं बचा है और यहाँ पर हेल्थ थोड़ा बढ़ा लिया। तो देखते हैं यहाँ पर टीम 21 सर्वाइव कर पाता है कि नहीं डेविल टीम के सामने। डेविल टीम के यहाँ पर जोन में अंदर ही जोन के अंदर ही ये थोड़ा प्लस पॉइंट है डेविल टीम का। लेकिन यहाँ पर टीम 21 का थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। लेफ्ट की तरफ से टीम नंबर 20 आते हैं रोहन के। रोहन अभी भी फिलहाल एक स्क्वाड को अकेला बंदा अकेला खत्म करके आ गया। और यहाँ पर वन शॉट जेफर ने यहाँ पर टीम 21 को लेते हुए लेफ्ट की तरफ से भी टीम नंबर 20 आगे बढ़ते हैं। रोहन आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एमबी को यहाँ पर टीम पाँच है, देखते हैं टीम पाँच है बंदा है 15। और यहाँ पर जबरदस्त स्प्रे देते हैं टीम नंबर 21 डेविल के ऊपर। डेविल किसी को भी शायद यहाँ पर डैमेज नहीं हुआ, किसी कोई भी डैमेज नहीं हुआ। उल्टा यहाँ पर यूएक्सी को डैमेज खा लिया। तो अभी फिलहाल अभी तो थोड़ा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जोन के अंदर तो जाना पड़ेगा। लेफ्ट की तरफ टीम नंबर 20 है। लेकिन यहाँ पर भी डेविल यहाँ पर जबरदस्त स्प्रे देते हुए टीम 21 के ऊपर। टीम 21 का दो बंदों को डैमेज कर दिया यहाँ पर टीम डेविल अभी भी बहुत ही मतलब बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट जोन के अंदर है। जोन थोड़ा बहुत ही साथ दिया टीम डेविल के पास साथ अभी। लेकिन टीम नंबर 21 को थोड़ा गलती मतलब गलत मुश्किल में हर जगह क्योंकि टीम जोन के बाहर है उन लोग तो जोन के। और यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदे को नॉक कर दिया शायद रोहन ने, एक बंदे को नॉक कर दिया वहाँ से। हाँ रोहन ने यहाँ पर टीम नंबर 21 को एक बंदे को नॉक कर दिया। रोहन के पीछे से भी अपना टीममेट आते हुए टीममेट अपना यहाँ पर से गाड़ी लेके थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा टीम नंबर 12 के पीछे यहाँ पर जबरदस्त पुश करना पड़ेगा, क्लोजिंग करना पड़ेगा। और डेविल वाइट ने यहाँ पर टीम नंबर 21 को दो बंदा को यहाँ पर नॉक एक बंदा को नॉक कर दिया शायद उसको फिनिश कर दिया। टीम नंबर 21 का अभी भी तीन बंदा जिंदा। डेविल वाइट ने एक किल ले लिया। तो देखते हैं यहाँ पर टीम नंबर 21 क्या कर सकते। टीम नंबर 21 का तो धीरे धीरे मुश्किल बढ़ते हुए क्योंकि जोन भी आ रहा है, लेफ्ट की तरफ भी स्क्वाड है, राइट की तरफ भी स्क्वाड है, सामने भी टीम डेविल टीम है। तो देखना पड़ेगा अभी क्या कर सकते। स्मोक देखिए यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। हाँ स्मोक से स्मोक बहुत पूरा कहरा कहरा कर दो तभी बस पाओगे। और जोन का टाइम भी आ गया 9 सेकेंड 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टार्ट, जोन स्टार्ट हो गया। तो अभी बहुत ही मुश्किल में हो जाएगा। तो अभी फिलहाल डेविल टीम के सामने की तरफ से जाते हुए। और यहाँ पर टीम नंबर टीम डेविल टीम को दो बंदे को नॉक कर दिया पर पीछे की तरफ से यहाँ पर कौन सा था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर दो बंदे को नॉक कर दिया टीम डेविल टीम का तीन बंदे को यहाँ पर नॉक कर दिया टीम अकेले बंदा अभी जिंदा है शायद उसका थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा क्योंकि वो थोड़ा जोन के बाहर है तो इसके लिए वो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। अभी डेविल रोजी के पास थोड़ा जोन है तो ये प्लस पॉइंट है। तो अगर ये अगर बंदा क्लोज ऑन कर ले तो डेविल रोजी के पास बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अपना टीममेट को यहाँ पर रिवाइव देना बहुत ही जरूरी है। तो थोड़ा रेड के लेफ्ट की तरफ से यहाँ पर जा रहे हैं और लेफ्ट की तरफ से जाने से भी यहाँ पर कोई और यहाँ पर ऑलरेडी पास में आ गया डेविल रोजी के पास में। अगर और एक नेट फेंकेगा तो यहाँ पर डेविल टीम खत्म हो सकती है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हेल्थ लेके थोड़ा शायद यहाँ पर पुश करना चाहेगा। लेकिन डेविल वाइटी को यहाँ पर रिवाइव मिल गया और डेविल वाइटी भी यहाँ पर डेविल शायद ऑन शॉट जेफर इनको यहाँ पर रिवाइव देते हुए। डेविल रोजी भी अपना डेविल शाइन को यहाँ पर रिवाइव देते हुए। डेविल रोजी यहाँ पर कहाँ चला गया, नहीं डेविल रोजी शायद, हाँ डेविल रोजी यहाँ पर आ गया अपना टीममेट को रिवाइव देते हैं। और एक बंदा को रिवाइव मिल गया शायद, डेविल टीम का पूरा बंदा यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा। और राइट की तरफ यहाँ पर टीम नंबर 20 भी आ गया। टीम नंबर 20 और टीम नंबर 8 के बीच जबरदस्त फाइट होगा। टीम नंबर 8 और टीम नंबर 20 के बीच जबरदस्त फाइट होगा। टीम नंबर 20 ने यहाँ पर क्लोज इन कर लिया। टीम नंबर 8 का दो बंदा है लेफ्ट की तरफ, टीम नंबर 21 लेफ्ट आउट है। 20 ने यहाँ पर 20 का एक बंदा करता है, दादा फोर के स्कैरी को पीछे के पीछे से थोड़ा सा यहाँ पर नॉक कर दे टीम नंबर 8 को। और एक ही बंदा और यहाँ पर दा फोरी यहाँ पर अकेला बंदा है और अकेला बंदा शायद यहाँ पर खत्म हो सकता है क्योंकि टीम नंबर 21 का एक ही बंदा अभी भी यहाँ पर। ओ भाई इतना दूर पास में जो बंदा था उसको खत्म कर दिया। ओके तो यहाँ पर टीम नंबर 8 का बहुत ज़बरदस्त था, अपना टीममेट को यहाँ पर रिवाइव देने का टाइम मिलेगा भाई। इसमें करके कोई टाइम यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पर अपना टीममेट मर रहा है तो ज़बरदस्त यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर डैमेज ये रिवाइव कर दो। तो यहाँ पर भी टीम नंबर डेविल के पास अभी भी टीम नंबर 21 यहाँ पर
ओ भाई जबरदस्त, यहाँ पर कैंपिंग हो रहा है। टीम नंबर 21 के एक ही बंदा जिंदा है। तो यहाँ पर रोहन ने यहाँ पर द स्कारी को यहाँ पर जबरदस्त नेट फेंक के दो बंदे को खत्म कर दिया टीम नंबर 21 ने। रोहन तो बहुत ही गजब खेला, रोहन के पास अभी भी 6 किल मिल गया रोहन को। देखते हैं रोहन अभी यहाँ पर टीम नंबर 3 के ऊपर फोकस लेते हैं, लेकिन राइट की तरफ है डेविल टीम का चार बंदा, पूरा ही चार बंदा अभी भी जिंदा है। तो देखते हैं डेविल टीम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टीसी कैंटीना ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन रोहन भी बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं, रोहन भी यहाँ पर टीपी भी लेते हैं। सामने की तरफ है टीम नंबर थ्री का दो ही बंदा है। टीम नंबर थ्री भी थोड़ा सामने की तरफ जोन की तरफ यहाँ पर पुश करना पड़ेगा। यस, यहाँ पर जोन के ये जोन जो बहुत ही जबरदस्त काटेगा, लेकिन सामने की तरफ है रोहन यहाँ पर टीम नंबर थ्री को एक बंदे को खत्म कर सकते हैं। राइट की तरफ है टीम रोहन और लेफ्ट की तरफ है डेविल टीम भी यहाँ पर एक वन शॉट दे पड़ने यहाँ पर रोहन को खत्म कर दे न कर दिया। तो अभी फिलहाल थ्री को यहाँ पर मुश्किल में नहीं होगा, सी को एक बंदे को खत्म न कर दिया था टीम कौन सा 20 ने। तो अभी टीम बचा है थर्ड, थ्री बंदा बचा है सात, टेबल टीम का चार बंदा, टीम 21 का एक ही बंदा और टीम थ्री का है दो बंदा। तो शायद यहाँ पर टीम टेबल टीम को और एक किल मिल जाएगा, टीम में किल मिल जाएगा, 46 गेम गॉड को यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, उसका रिवाइव नहीं दे पाएगा 46 गॉड ओपी। अभी अकेला बंदा जिंदा रहेगा और टीम नंबर 21 का एक ही एक्सट्रैक्ट और अभी अकेला बंदा जिंदा रहेगा। तो यहाँ पर तो शायद मेरे ख्याल से तो टेबल टीम का पल्ला भारी है। तो उन लोग पूरा स्क्वाड पूरा फुल स्क्वाड चार बंदा बाकी है, लेकिन फोर दीप गॉड ओपी के राय पीछे की तरफ है टीम नंबर 21। तो टीम नंबर 21 देखते हैं वो क्या कर रहा है। टीम नंबर 21 शायद अभी भी सो रहा है, यहाँ पर नहीं सो कि यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक पीते हुए क्या था कि अपना थोड़ा ताकत लेके फायर ले सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर टीम नंबर अभी किसके साथ फायर लेता है, टीम नंबर 3 के साथ फायर लेता है, टीम नंबर 1 के साथ फायर लेता है। तो मेरे ख्याल से तो टीम नंबर 1 के साथ फायर लेना बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि टीम नंबर 1 का है चार बंदा और टीम 3 के पास है एक ही बंदा। तो यहाँ पर जबरदस्त वन शॉट J4 ने यहाँ पर पुश कर दिया शायद टीम नंबर 3 का वन शॉट J4 ने यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से यहाँ पर पुश कर दिया टीम नंबर 3 के पास। यहाँ पर टीम नंबर 3 को एक बंदे को आराम से कर सकते, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा वन शॉट J4 को, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ओपन में है। तो देखते हैं वन शॉट J4 यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टीम थ्री को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी टीम नंबर 3 का एक ही बंदा जिंदा है, टीम 21 का भी एक ही बंदा जिंदा है। तो तीन मिल के यहाँ पर दो मिल के अगर यहाँ पर डेविल टीम के साथ फाइट लेगा तो बहुत ही जबरदस्त लगेगा। लेकिन टीम नंबर 21 भी टीम नंबर 3 के भी धीरे धीरे आगे बढ़ते, टीम नंबर 3 के भी जबरदस्त फाइट होते, लेकिन यहाँ से भी पीछे से भी डेविल टीम यहाँ पर टीम 21 का भी खत्म कर दिया। तो अभी विनर चिकन डिनर टीम डेविल टीम के साथ पास है, अभी चार पास है, सात किल मिल गया डेविल टीम को, लेकिन टीम नंबर 21 को मिला तीन चार किल में, टीम 3 को मिला चार पाँच छः किल, टीम 4 LMP LM को मिला तीन पाँच नौ किल। और हाँ, तो फाइट भी बहुत ही ज़बरदस्त मिला का लास्ट में डेविल टीम को, बहुत दिन बाद डेविल टीम ने चिकन डिनर लिया भाई लोग। डॉन बॉय हेलो ब्रो बिग फैन ब्रो, डॉन ने ब्रो ओडी ने ओ ओडी सेम ही दिख रहा है ना ब्रो, कैपिटल लेटर में सेम ही दिख रहा है। ब्रो मैं आपकी लाइव स्ट्रीम बहुत देखता हूँ ब्रो, अरे फुल सपोर्ट ब्रो, फुल सपोर्ट। नहीं ब्रो नहीं पता, अब ब्रो मैं अपना मतलब व्हाट्सएप नंबर नहीं है ब्रो, मैं मतलब दूसरे बंदे मुझे भेजते हैं, मतलब आईडी पासवर्ड दूसरा बंदा भेजता है ब्रो। मैं आपके ग्रुप में नहीं है ब्रो, मुझे मैसेज कर दीजिए ब्रो, व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दो, मैं मतलब मैं जितने दोस्त हैं पबजी के सबके पास भेज दूंगा खेलने के लिए। ठीक है ब्रो ठीक है, अरे तो ठीक है मुझे लगाओ एक गेम खेलते।
ठीक है मैसेज कर दो ब्रो। ठीक है ठीक ब्रो ठीक बाय बाय ब्रो। हेलो एलबी ब्रो, क्या हाल है एलबी ब्रो? आपका खाना बना हो गया? चलिए अभी कौन कौन खेलना चाहेगा ओडिन ब्रो। ओके ओडिन ब्रो का ये मैसेज इसको हम कॉपी कर लें, 9026238480 में इसको ऐड कर लेता हूँ मेरा ग्रुप में। एक मिनट रुकिए ब्रो, एलबी ब्रो एक मिनट, मैं एक भाई को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आते हैं फॉर्म में, क्या बोलते हो? नाइन जीरो टू सिक्स टू थ्री एट फोर एट जीरो। एक मिनट भाई लोग, एक मिनट, मैं बस भाई को ऐड करके मैं आ रहा हूँ फिर से। मैं ऐड कर रहा हूँ अभी ओडिन। ओके चलिए अभी कौन कौन खेलेगा भाई लोग बोलिए। मैं रूम क्रिएट करता हूँ ब्रो। माइक ग्लिच आपका फिर से, माइक ग्लिच हो गया फिर से ब्रो। एलबी ब्रो एक मिनट, अरे है तो वो एक्चुअली गेम में जाने से वो माइक ऑफ हो जाता है। हेलो यानूर ब्रो, हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। यानूर ब्रो नूब यानूर हो कि नूब यानूर? अच्छा चलिए कौन कौन खेलेगा बोलिए। हम उस टाइम तो शायद अभी भी फिलहाल मुझे मैसेज दिया था, डीएम किया था मेरा, क्या बोलते हैं टपोटा भाई ने मैसेज किया था, तो उसको मैं बोल के आता हूँ उसको। शायद मैं उसने मैसेज दिया था भाई, कितना सारा मैसेज पड़ा हुआ है, 8 मैसेज दिया था भाई। कॉल आया था अर्जेंट तो मैंने लीव कर दिया, कॉल फिर कर लेंगे हम लोग को, बंदे लोग को लेकर आना। ठीक है देखिए उन लोग कॉल आएगा, शायद मुझे मैसेज दिया कॉल आएगा, कॉल खेलेंगे। ठीक है एलवी ब्रो क्या बोलते, कॉल खेलेंगे कॉल कस्टम के बाद फिर से खेलेंगे, फिर से ज़बरदस्त मैच होगा टीडीएम वाला मैच। ठीक है नाश तो कातिल वाला मैच हो गया था टीडीएम। गुड नाइट, रूम खेल के आते हैं। रूम खेल के आते हैं। स्ट्रीम करना है राजू भाई, स्ट्रीम कीजिए रूम का। मैं स्ट्रीम पे ठीक है मैं वो जॉइन हो रहा हूं उसी का रूम। 1v1 ओके चलिए आइए मैं बना लेता हूं एलबी वर्सेस यानूर, क्या ऐसे ही होगा? बना लेते हैं एक बार। एलबी भाई बोलिए, अगर होगा तो मैं बना लूंगा। क्या ठीक है? हाँ टी डी 1v1 एलबी वर्सेस ईटू, एलबी वर्सेस यानूर, क्या बोलते हो? जल्दी 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 बोलिए एलबी भाई, बोलिए खेलो या कमेंट्री करो। कमेंट्री कर रहे हो? हां मामा अब आ जाओ। आइए यानूर ब्रो, आइए 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 आइए, खेलेगा। मैं बना रहा हूँ, मैं इनवाइट करता हूँ आप दोनों को। चलिए तो नहीं खेलेगा शायद एलबी ब्रो, भी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा खुद का टीममेट है। अरे कोई बात नहीं, नहीं एक्चुअली यानूर भाई ने बोला, बोल रहा था कि 1v1 खेलेंगे यानूर वर्सेस एलबी। भाई कतई जाए ब्रो।
तो इसलिए मैं माइक ऑन नहीं कर सकता, रुको स्ट्रीम देखता हूँ। हाँ स्ट्रीम देखो, स्ट्रीम देखने से हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर वो गेम का माइक ऑन करता हूँ तो मेरा स्ट्रीम का माइक ऑन ऑफ हो जाता है, माइक ग्लिच हो जाता है। इसके लिए माइक ऑन नहीं करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अगर माइक ऑन करूँगा तो आप लोगों को बातें सुनाई नहीं देगा, और जो भी बोलूँगा उसको भी सुनो वो भी सुनाई नहीं देगा। तो अभी क्या करना है बोलिए, अगर आप लोग खेलना चाहते हैं तो खेल बोलिए, हम बना लेंगे। नूब यानो लोग के साथ नहीं खेलता। अरे भाई कतई जहर बोला, अरे भाई यानो ब्रो आपको नूब बोल दिया। नूब बोल दिया यानो ब्रो, क्या यार, देखिए देखिए इसका तो बदला लेना है ना। बाय द वे मेरा ही टीममेट है, हाँ पता है ब्रो, पता है पता है। अरे क्या, क्या? कहाँ चला गया ये अनु ब्रो, चला गया क्या आप? डोंट हेट अदर्स। वाह भाई देखिए आपका जला रहा है भाई। यानुर भाई को बुलाओ, वो यानुर भाई को बुलाओ बुलाओ, कहाँ चला गया यानुर भाई? शायद आपका वो बात बोल के डर गया इसलिए चला भी गया ना यानुर ब्रो। मैं नो पियानो पेरो। आप नो पियानो पेरो, पेरो है पेरो भाई, यानो पेरो भाई। अरे यानो आ गया, वन शॉट यानो आ गया, यानो भाई आ गया। चले मैच मार लेते, क्लासिक मार लेते, क्या बोलते हैं आप लोग? रेडी मारो, रेडी मारो, क्लासिक मारेंगे, क्लासिक एक मैच खेलेंगे, उसके बाद खाना बना खा के सो जाएंगे। बहुत बहुत भूख भी लगा है बहुत। हेलो हेलो, हाँ बाबा, क्या मैच खेलना है, सीडीएस खेलना है, क्या खेलना है? मेरा हेडफोन नहीं मिल रहा है, आप लोग स्टार्ट कीजिए, मैं ढूंढता हूँ। टाइम पे आइए, टाइम पे आइए। चलो मैनचेस्टर का आईडिया आ गया। चलो देखते हैं, नेटवर्क का इशू थोड़ा बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है मेरा, दो तीन दिन से बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहा है, और ऊपर से TTM भी नहीं खेल सकते। TTM में खेलने से तो मतलब पहाड़ों में अभी तो नुब्रा गेम प्ले स्टार्ट हो गया हम लोगों का, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। I need a weapon. आ गया मैं, आ गया। Okay. चलो।
अभी थोड़ा मैसेज भी कर दो, मैं मैसेज करता हूँ उन लोगों को। हम लोग टाणी पे, टाणी पे है। हाँ हाँ उन लोग को बोल देता हूँ, नहीं तो उन लोग बात करेगा, बातें सुनाई नहीं देगा। आप लोग टाइप कर देना ओके। अगर आप लोग स्ट्रीम में है तो सुनाई तो देगा, लेकिन सुनाई देने से तो थोड़ा लेट होगा क्योंकि स्ट्रीम में थोड़ा थोड़ा डिले है स्ट्रीम। नहीं तो चार्ज में भी लगा दिया, चार्ज लगा कि नहीं, चार्ज जल्दी जल्दी उठ जा भाई, थोड़ा दूर लेके जाओ, कोचिंग की जाना है दूर। हाँ 12% है बस मेरा बैटरी चार्ज। एक मिनट, खाना भी खाना है, भूख लग गया। इतना कम होने से लैग नहीं होता है क्या? लैग तो नहीं होता है मेरा, 2% 3% 5% के नीचे होने से, 10% के नीचे होने से लैग मारता है। चाचा लोग आ गए क्या? आगे आगे आगे, एक स्क्वाड, एक स्क्वाड बात करो, राइट में एक स्क्वाड। हां हां मेरे पास भी बंदा आ गया वैसे। देखो आ रहे मॉन्चेस्टर भाई को नॉक कर दिया यार। अरे फिनिश कर दिया, मुझे भी फिनिश कर देगा, गन नहीं है मेरे पास। एक्सीलेंट वर्क। किधर है? बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, इधर चुपचाप फाइट मत लीजिए, उनको आने दीजिए, यानी उनको आने दीजिए। अरे मेरा हेल ले रहा था। मुझे गाने ही नहीं मिला, एक ही मिला जितना था, 460 की जो मिला था उसमें से तो कम हो गया था। और वहाँ पर एक मारो, उसमें एक वहाँ पर एक डैमेज दिया गया नॉक पर। आवाज सामने की तरफ और दो ही बंदा होगा शायद। नो मेरा वेस्ट भी नहीं था, नहीं था ना सब, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक हेलमेट मिला था और एक एके मिला था। लकीली एक बंदा को नॉक कर दिया था। हाँ दो बार एक ही बंदा को खत्म कर दिया। चलो हाँ ब्रो, गाने नहीं मिला था, क्या करे। राइट आउट कैम कोरिया से ले जाओ। ओके
मामा उतारिए ना। हाँ ठीक है, ट्रांसफर करो। क्या उतारना है? मेरा तो डिस्प्ले पूरा ही मतलब कह रहा है, मतलब ऐसे हो गया, इतना पाउडर लगा दिया। मिलते जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे हम लोग, स्ट्रीम करके उधर नहीं जा सकते, इससे लैग मारेगा। और मेरा ना तीन दिन से इतना साला इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, ले ये क्या बोलते हैं स्ट्रीम में, तुम्हारा कस्टमर तो मेरा कस्टमर आधा पहले वाला फाइट दिखा नहीं पाया, पूरा क्रैश हो गया था मेरा गेम, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट मार के आ गया। अच्छा, पूरा क्रैश हो गया था तुम्हारा स्ट्रीम में, तो तुम्हारा कस्टमर ठीक ही था उस टाइम, थोड़ा सा फिर भी लैग मारा था, लेकिन दो तीन मतलब साउंड ग्लिच हो गया था, बहुत ही दिक्कत आ रहा है सब अभी। मंस्टर एलबी ब्रो इधर जाएंगे, मिलता जाएंगे, दो तीन फोकट मतलब फोकट में किल मिल जाएगा, उतना ही काफ़ी है, होस्टरी वाला चाचा मिल जाएगा। जिंदगी enemies ahead, enemies देखो तो आया। Watch out! Enemies ahead! पास में उतर गया। ले बला घर में। नौरा गान नहीं मिला। मेरे पास आ गया। वो बंदा नौ गया पिस्टल से। उसके पास M4 है, अगर चाहिए तो ले लो। सही है, ठीक है। हाँ वो फिनिश हो गया, ले लिया। और भी मेरे पास एक बंदा ओपी, रुको आ रहा। अबे जाम कर दे, मार दिया मदरसा। अरे किधर है? अरे रुको रुको, अरे यार मैं हेडफोन चार्ज करता हूं। ठीक है ठीक है, इधर बंदा। Watch out!
अच्छे शॉट कितने जहर हो गया भाई, मर गया। हेलो राजू, चलो रेडी मारो, रेडी मारो, टाटा बाय बाय हो गया क्या? टाटा अच्छा बाय वाला मतलब? हाँ शायद ये ना चले ब्रो, एक रूम बना दो मेरा और यानूर का। ओके ब्रो, बना देंगे जरूर बना देंगे। एक बना दीजिए, मैं चार्ज करता हूँ। ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए भाई लोग, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए बाय 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 बोलता हूँ, गुड नाइट बोलता हूँ सब लोग के साथ। तो थैंक यू सो मच भाई लोग, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और फिर मिलेंगे कल 9 बजे, फिर से मिलेंगे और एक बहुत ही धमाका कस्टम लेके। तो अब तक के लिए ऐसे इतना ही काफ़ी है। गौरा स्क्वाड ओपे बुरी, ओके हेलो ब्रो। ओ अच्छा ओ हेलो होगा। ओके कल हमारा भी एक स्लॉट और एक स्लॉट बुक कर देना हमारा भी। क्या बोलो? मैं बोल दूंगा। अच्छा ठीक है। ओके तो चलिए भाई लोग, अभी मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर आएंगे, लेकिन हम मैच खेलेंगे, स्ट्रीम नहीं करेंगे। तो स्ट्रीम अभी इतना ही यहाँ पर ही ख़त्म कर देता हूँ। तो थैंक यू सो मच भाई लोग, थैंक्स अ लॉट। बस इतना ही कहना है, और थोड़ा सा सपोर्ट, मतलब ऑन के होने के लिए और थोड़ा सा आप लोग के लिए सपोर्ट चाहिए। बस जल्दी करवा दीजिए वो थोड़ा। हम 1866 हो गया, तो शायद और कितना 34